चलो जी, तो बेसिकली आपको ये हेडिंग देख के थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से कैसे आ गया इंटर में। तो आपको मैं बेसिकली बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो एक एक्ट है, ये अपने आप में काफी बड़ा एक्ट है। इसको ब्रॉडली 9 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है हमारे ICI मॉड्यूल के अंदर। बेसिकली ये जो पूरा एक्ट है, इसको 9 मॉड्यूल के अंदर, मतलब जितने भी इसके अंदर सेक्शन है, रेलिवेंट सेक्शन है, उसको 9 यूनिट्स के अंदर बांटा गया था। उन 9 यूनिट्स के अंदर से 6 यूनिट ऐसी थी जो आपको फाउंडेशन के अंदर कवर करा दिया गया था, टिल कंटिंजेंट वेजरिंग और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो 6 यूनिट जो थे वो आपके फाउंडेशन लेवल पे कंप्लीट हो गए थे। अब बात आती है इंटर की, तो इंटर के अंदर आपको उसके अलावा 3 यूनिट्स और हैं जो कि आपको कवर कर रहे हैं, तब जाके आप कह सकते हो कि आपका पूरा एक्ट कवर होगा। तो एक बार अगर मैं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन की झलक दिखा दूँ, तो जिन लोगों ने हमारी वीडियोज देखी हुई है उसमें आप देखेंगे कि इसको कुल 18 वीडियोज के अंदर पूरे बिजनेस लॉ कवर कराया गया था। बिजनेस लॉ बेसिकली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। उसके अंदर आप ये 16th पे देखेंगे तो हमारा लास्ट यूनिट हुआ करता था यूनिट 6। उससे पहले यूनिट 5 था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 6 जो था ये भी एक अपने आप में ना स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे इसके अंदर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फाउंडेशन लेवल पे 3 तो आपके स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा दिए गए थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचते हैं जो कि आपको कवर करने हैं अपने इंटर लेवल पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जब भी इंटर लेवल पे सवाल आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ कोर्स की अगर बात करेंगे तो कोर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 यूनिट दिए गए हैं। यहाँ पे एक चैप्टर इसके अंदर 3 यूनिट में इसको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन इसमें आपको बेसिक चीजें जो थी, लाइक कंसिड्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल हो गया, एसेंशियल एलिमेंट से रिलेटेड कोई सवाल हो गया, तो वो भी पूछा जा सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, वो चीज आपको पढ़ाया गया है, लेकिन जब इन यूनिट्स में आप जाएंगे तो उसके अंदर भी उनकी चर्चाएं यहाँ पे होंगी। उनकी चर्चा यहाँ पे होंगी, मतलब वो चीजें भी यहाँ पे रेलेवेंट है, कहीं ना कहीं वो आपको आएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि मेरा एक मानना होता है कि जैसे ही आप इंटर में आए हैं, इंटर में आके जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ना जब शुरू करेंगे तो पहले आपको वो चीज करनी चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस है। ये इकलौता ऐसा एरिया जिसके बारे में आपको कुछ पता है, जो आपने फाउंडेशन में देखा है, और उसी बेस को लेते हुए कुछ चीजें ऐसी है जो आप यहाँ इंटर में देखोगे, ठीक है जी। थोड़ी सी मैं लॉ के सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, देन फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लॉ के सिलेबस में ये कुछ आपका है जो अपने ICI की साइट पर आपको मिल जाएगा। ये उन्होंने उसको ना वेटेज दिया हुआ है, मार्क्स वाइज पूरा एक कंप्रिहेंसिव सा बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपके किन किन मार्क्स के लिए क्या क्या चीजें रेलेवेंट है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट जो है वो 60 मार्क्स का रेलेवेंट है, जिसके अंदर सेक्शन 1 से लेके 148 तक जो है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा पेंटर में। एंड 148 के बाद जितना भी कुछ रह जाएगा वो सारा आपका कहाँ पे आएगा, फाइनल के अंदर आएगा। थोड़े बहुत इसके बेसिक्स जो है, बेसिक्स नॉट सेक्शन वाइज, बेसिक्स जो है वो आपने पढ़े थे अपने फाउंडेशन लेवल पे भी, बट यहाँ पे जो आएगा वो एग्जैक्टली कैसे आएगा, सेक्शन वाइज आएगा। ये सेक्शन के फ्लो में चल रहा है और सेक्शन के फ्लो में 148 तक जो है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये है 60 मार्क्स का एरिया। ना जो 40 मार्क्स का एरिया है, 40 मार्क्स के एरिया में आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर जो वो कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डील किए जाएंगे जो कि होगा सेक्शन 1, 2, 3 के बाद के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 123 से पहले का जो एरिया है वो सारा आप पढ़ चुके हो कहाँ पे, अपने फाउंडेशन लेवल पे। सेक्शन 1, 2, 3 ऑनवर्ड जितनी चीजें होंगी वो चलिए आपको यहाँ पे कराई जाएगी। बेसिकली इसके अंदर 3 यूनिट है। 3 यूनिट में पहला यूनिट उन्होंने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का, दूसरा यूनिट बनाया है बेलमेंट ऑफ प्लेज का, और तीसरा यूनिट बनाया है एजेंसी का। ये पूरा का पूरा आपका 30 से 35% का वेटेज लेता है। तो 40 मार्क्स का अगर मैं 30% रफली लेता हूँ, तो 40 मार्क्स का 30% आपका अराउंड 12 मार्क्स का एरिया हो गया। इन 12 मार्क्स के अंदर इन्होंने 3 यूनिट बनाया, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक यूनिट जो है वो 4 मार्क्स के लिए रेलेवेंट है। बहुत छोटे यूनिट है, कहीं ना कहीं आपके 12 नंबर बहुत इजी से आ जाएंगे। जो मेन आपको फोकस करना है वो पहले यूनिट में करना है, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसके बाद जो ये बेलमेंट प्लेज और एजेंसी है, ये बहुत इजी कंटेंट है, आपको इजिली पढ़ोगे, इजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट जो इनके अंदर इंडेमनिटी और गारंटी के अंदर जो वर्डिंग्स यूज की गई है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए वहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है जी। तो रेडी, ये सारा आपका ओवरव्यू का बेसिकली कंपनी एक्ट का। उसके बाद अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करूं तो ये भी आपको 20 से 34 मार्क्स का एरिया है, और इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपके अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये फाउंडेशन में भी CMA के अंदर कवर कराया जाता है, तो इसलिए इसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से देखोगे तो ये आपका आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाद ये दो चीज रह जाएंगी, लेकिन नहीं, पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने के बाद आपका मैं कंपनी एक्ट कवर कराऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, सेक्शन 1 से लेकर 148 तक। उसके बाद जो मिसलेनियस चीजें रह जाएंगी वो कवर करेंगे। फिलहाल जो फोकस है वो इसके ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आज वाली कोशिश में रहेगी कि आज वाले कंटेंट में, इस वाली वीडियो में आपका पूरा इंडेमनिटी और गारंटी कवर हो जाए, नेक्स्ट में आपका बेलमेंट प्लेज जो सेकंड यूनिट आएगा वो कवर हो जाएगा, और लास्ट में जो होगा वो हो जाएगा हमारा एजेंसी का कवर, ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं अपने चैप्टर में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 1 है इसका हमारा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, और ये आपका इसका ओवरव्यू इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
अब जरा इसको देखो, 123 ऑनवर्ड है, मतलब 124 से आपका ये सेक्शन शुरू होता है और 147 तक जाएगा, 148 से आपका जो है वो नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा, बेलमेंट और प्लेज वाला। अब यहाँ पे दो टर्म है, नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी थोड़ा सा छोटा एरिया है, गारंटी थोड़ा सा बड़ा एरिया है, इन दोनों को जरा समझना है, ठीक है? तो पहले एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, फिर इसको देखते चलेंगे क्या क्या चीजें आ रही है, कैसे कैसी चीज आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? तो बेसिकली क्या है कि हम किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके लॉस को बियर करने के लिए, तो वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने उससे कहा कि अगर तो तुम्हें नुकसान होगा तो मैं तुम्हें कुछ पे करूंगा, और अगर नुकसान नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल इंश्योरेंस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो भी कोई इंश्योरेंस कराया जाता है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि वो बंदा ही नहीं बचता, तो जो कंपनसेशन है वो किसी और को मिलता है, तो इसलिए वो कवर नहीं होता। बट सपोज करें कार इंश्योरेंस है, किसी की कार एक्सीडेंट होगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको पे करेगी, ठीक है? तो दो पार्टीज का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर, एक वो जिसका नुकसान हो रहा है और दूसरा वो जो नुकसान को भरेगा, ठीक है? तो दो पार्टीज है, दो पार्टीज को क्या बोलते हैं, सबसे पहले पहले पार्टी का नाम है इंडेमनीफायर, ठीक, और दूसरे को कहते हैं इंडेमनी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर कौन है? जिसने इंश्योरेंस करवाया, और इंडेमनीफायर कौन है? जो उस नुकसान को भरेगा अगर वो हुआ तो, ठीक है? आपको कुछ कुछ वर्ड से सुन के लग रहा होगा कि क्या है, किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है ये, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है? तो आपको इसका बेसिक्स आपको याद होना चाहिए पिछले बार यूनिट से, ये होता है एक प्रकार का, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, तो ये होता है हमारा एक प्रकार का कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो डिपेंड करता है किसी के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर, और इसके अंदर वैलिडिटी इसकी पूरी होती है, रीजन बिंग की ये हमारा बेटिंग के ऊपर नहीं है, ठीक है ना? तो इसकी कंटिजेंसी है कि वो जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इंडेमनिटी के अंदर डिफाइन हो जाते हैं। बहुत सिंपल टर्म है, बहुत छोटे तौर हो जाएगा, दो पार्टी होगी इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, इंडेमनिटी होल्डर जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका नुकसान होने के चांसेस है, ठीक है जी? नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इस गारंटी को समझना है मेन तरीके से, गारंटी जो है ये लंबा चलेगा, पूरी की पूरी ये चर्चा जो चल रही है आपकी, गारंटी श्योरिटी गारंटी का पार्ट है, कंटिन्यूइंग गारंटी डिस्चार्ज अथॉरिटी गारंटी का पार्ट है, एंड राइट्स ऑफ श्योरिटी ये भी गारंटी का पार्ट है। उसके बाद एंड में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि गारंटी और इंडेमनिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो तो जब आप दोनों चीजें पढ़ लोगे तो आराम से आप डिस्टिंग्विश उसका तैयार कर सकते हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जिसमें थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। अच्छा, जब गारंटी की बात करेंगे ना, तो गारंटी में बेसिकली तीन पार्टीज होती है, ठीक है? गारंटी का मतलब क्या है, तो गारंटी के जो भी एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे केस स्टडीज आएंगे, जितनी भी चीजों को समझेंगे उसको हम इस तरीके समझेंगे कि आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ, एक कोई थर्ड पर्सन है जो गारंटी दे रहा है, हम दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज करते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मुझे कह रहा है कि जी आपको मैं नौकरी करती हूँ, आपको मैं एज अ एम्प्लॉय अपने यहाँ हायर कर लूँ, और वो गारंटी दे रहा है आपकी कि अगर कल को आपने कुछ धोखाधड़ी करा, कोई नुकसान किया, तो उसकी भरपाई वो करेगा अगर आप नहीं कर पाए तो, या आप लेके भाग गए तो, या कुछ भी आपने नुकसान कर दिया मेरा तो, ठीक है? तो ये केस है, ठीक है? तो इस केस में क्या हो रहा है, एक पर्सन आप हो, एक पर्सन मैं हूँ, और एक पर्सन तीसरा है, तो जो आप हो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर। क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल डेटर। मैं हूं, मैं को क्या कहा जाएगा, मेरे को कहा जाएगा क्रेडिटर, और जो तीसरा पर्सन है जो कि गारंटी दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, श्योरिटी, ठीक है? ये है तीन पार्टीज का सिनेरियो। नंबर वन प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर वो है जो नुकसान कर दे, ये जिसने पैसे ले रखे हैं या कुछ भी इस तरीके का जो कि उसको भरना है, उसको भरना है, डेटर एक प्रकार का। क्रेडिटर जिसने पैसे दे रखे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से उसको रिकवर करने हैं सामने वाले पर्सन से कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। श्योरिटी कौन है, जो हम दोनों के बीच में आया और वो ये कह रहा है कि जी अगर ये दे पाया, अगर ये नहीं दे पाया, अगर इसने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, ले लेना, बात खत्म हो जाएगी, बट इन केस अगर वो नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा, इस बात की उसने मेरे को गारंटी दी थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बना था, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर बेसिकली पार्टी कौन है, तीन पार्टी है, पर जो मेन पार्टीज है, अगर मेन पार्टी की बात करूँ तो कौन है, मेन पार्टी है क्रेडिटर, और दूसरा कौन है जो कि गारंटी दे रहा है, ठीक है जी? आप मेन पार्टी के अंदर कवर नहीं होते, जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो मेन पार्टी के अंदर कवर नहीं होता। ऑल दो यहाँ पे तीन पार्टीज है तो यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तीन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से बनेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मेरा और आपका, जो हम बेसिक नेचर का हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया मैं आपको सपोज कोई सामान बेचूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है? अब आपने पैसे नहीं दिए तो उसकी गारंटी किसने ली थी, किसी तीसरे बंदे ने, तो एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके साथ श्योरिटी का और क्रेडिटर का, ठीक है? और एक तीसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के साथ, मतलब आपके साथ, कि इन केस आपने पैसे नहीं दिए तो मैं उससे पैसे ले लूंगा और वो जो है वो फिर पैसे वो आपसे रिकवर करेगा, ठीक है? तो वो क्या है, हमारा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने मेरे
आपके बिहाफ पे गारंटी दी थी और मेरे से मेरे को वो जब पैसे पे कर देगा तो ऑब्वियसली बात है वो पैसे किसी से तो रिकवर करेगा, तो वो आपसे रिकवर करेगा इन फ्यूचर करेगा जैसे मर्जी करेगा। तो ये है बेसिकली तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, दो तो होते हैं हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर का और क्रेडिटर का, दूसरा क्रेडिटर का और श्योरिटी का, और एक होता है हमारा इसके अंदर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो श्योरिटी का और प्रिंसिपल डेटर का है कि वो अगर पे नहीं कर पाया तो बाद में रिकवर करेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली दो टर्मिनोलॉजी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, गारंटी थोड़ा लंबा चलेगा, कई चीजें रिपीट होंगी उसके अंदर। ठीक है, चलिए एक ओवरव्यू मिल गया है आपको, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है, आप देखिए तो आपको बेसिक तरीका पता होगा, जो हमारे पढ़ने का तरीका होता है वो किसी प्रकार से होता है कि हम रीडिंग पूरी करते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ होता है जिसको आपको मेन फोकस करना है। ऑल्दो हम पढ़ेंगे सारा का हम वर्ड कोई नहीं छोड़ते, हम रीड पूरा मारते हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल प्राइमरी टीचिंग है, मतलब प्राइमरी लेवल स्टडी का। इसके बाद एक जब ये हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा तो कह सकते हैं कि मैराथन या रिविजन वीडियो जो होता है वो हम एंड बना देंगे, वो बहुत फास्ट वे में होगा जिसके अंदर वन टू वन रीड नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे उसको समझाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट ये प्राइमरी लेवल की टीचिंग है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको कुछ नहीं पता और आप ऐसी बुक खोल के बैठे हो और मैं बुक यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो वन टू वन पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे छोड़ने वाली बात नहीं है, रीडिंग में पूरी करूंगा, थोड़ी सी लेंथी से हो जाती है वीडियो बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे हिसाब से, आपको प्राइमरली पढ़ना है और मुझे प्राइमरली यहाँ पे पढ़ाना है। ठीक है, अदरवाइज ओवरव्यू लेने में ना कुछ चीजें छूट जाया करती है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। चलिए तो पढ़ते हैं, फटाफट से इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी जो है ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेक्शन 124 से लेकर 147 के अंदर कवर्ड है। सेक्शन याद कर लोगे थोड़ा सा अब तो आपके लिए थोड़ा अच्छा माना जाएगा, फाउंडेशन में नहीं भी करा चलता है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अगर सेक्शन आप कोट करोगे कई बार जरूरत पड़ेगी, कई बार वो अच्छा करेगा और आपके मार्क्स में वो फर्क दिखाता है, तो मेरे हिसाब से तो आप मतलब सेक्शन याद कर लो रेलिवेंट रेलिवेंट जिनके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो अभी आपके नीचे एंड में क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे सेक्शन, तो वो अच्छी बात है। चलिए जी, तो अलोंग विद दी स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 124 एंड 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो एप्लीकेबल टू सच स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो आपने यूनिट 6 तक जो जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े हुए आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके वो सारे के सारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। इनके साथ साथ बोथ दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोड्स ऑफ कंपनसेशन बेस्ड ऑन सर्टन सिमिलर प्रिंसिपल्स। दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली कंपनसेट करने के लिए बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं सिमिलर प्रिंसिपल के ऊपर। However, both differs from each other on several issues. वो differ जो है, क्योंकि उसका difference उसको हम पढ़ेंगे। In this unit, the law relating to indemnity and guarantee are discussed in detail. चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं indemnity की। तो indemnity मैंने आपको क्या बताया कि the term indemnity means to make good the loss or to compensate the party who has suffered some loss. जिसको loss हुआ, उसको compensation देने के लिए हम क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको compensate करने को क्या बोलते हैं? indemnity कहते हैं। The term contract of indemnity is defined under section 124. बिल्कुल याद रखना, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, 124 से शुरू हुआ है, पहला है contract of indemnity. ठीक है? Of the Indian contract 1872 it is a contract by which one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. मतलब कि अगर सपोज मैं आपसे कोई काम करता हूं और आपको कोई नुकसान हुआ मेरे वजह से, तो उस लॉस को मैं भरूंगा, आपको जो लॉस होगा उसको कंपनसेट मैं करूंगा। इन केस अगर आपको लॉस हुआ किसी और से तो भी मैं कंपनसेट करूंगा। मतलब जो मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जाके गाड़ी में आग नहीं लगाती, या वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो जाती, तो उस केस में कहीं और से भी नुकसान होगा तो उसको कंपनसेट मैं करूंगा। इन केस अगर मैंने आपसे कोई डीलिंग की है, आपको गुड्स सप्लाई करने के लिए कहा है और मैंने कहा आप गुड्स पहुंचाओ जी, अगर गुड्स में कुछ नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा पर्सनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उस केस में भी उसकी भरपाई कौन करूंगा, कौन करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो आपको प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनिटी का, ठीक है, वो ही उसी के वजह से कुछ नुकसान हो या फिर किसी और की वजह से नुकसान हो, इन एनी केस कैसे भी नुकसान होगा अगर आपका, तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, इसका मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट करके गया वो गवर्नमेंट से कि भैया 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस आ जाएगा, और उसके बाद वो काम सॉरी पढ़ाई पूरी करके आ जाएगा और 5 साल तक वो काम करेगा। इफ मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया ही विल रिम्बर्स द गवर्नमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल आपको बता दूं मैं। आप लोगों ने अगर सुना होगा गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, तो गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कि आप सपोज एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसका जब आप क्वालिफाई होते हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक बॉन्ड बनवाती है। ठीक है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं। वो इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट आपसे कहती है कि भैया
तुम्हें हम जॉब पे रख रहे हैं लेकिन तुम 5 साल तक कहीं छोड़ के नहीं जाओगे। सपोज करो 5 साल, 3 साल भी हो सकता है, 5 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे। और इनकेस अगर 5 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो हमें 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी उनकी शर्त रही होगी, विद इंटरेस्ट एंड विद जीएसटी आप मुझे जमा करके जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते वक्त आपने एक बॉन्ड भरा, उसके अंदर साइन किया कि हाँ जी मैं मानता हूँ इस शर्त को कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं आपको इतना सम पे करूंगा। तो ये जो आपने एक वादा किया है, बेसिकली आपने क्या दी उनको, इंडेमनिटी दी। ठीक है कि अगर मैं छोड़ के गया तो, और अगर आप सच में जाओगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो नहीं देना पड़ेगा। ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाते हो तो ये माना जाता है कि उन गवर्नमेंट कंपनी का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, उन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपको सिखाया है बहुत सारी चीज, आपको सिखाई समझाई, आपको एक्सपीरियंस दिया और आपका काम बनता तो आप निकल ली। तो इस केस में इंडेमनिटी बॉन्ड भी वहां पे भरवाया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं यही चीज है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, दो पार्टीज होते हैं इसके अंदर, द पार्टी हु प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई या सेव अदर पार्टी, जिसने प्रॉमिस किया या जो किसी और को बचाना चाह रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम इंडेमनिटी इंडेमनिफायर बोलेंगे। वेयर एज द पार्टी हु हैज प्रॉमिस टू सेव्ड अगेंस्ट द लॉस, जिसको प्रॉमिस किया गया है उसको बोलते हैं इंडेमनिटीफाइड, इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है जी, तो दो पार्टी से इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड एग्जाम्पल और थोड़े से दिए हुए। अच्छा, इनके जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ना, इसी चीज को इग्नोर नहीं करना आपको। इग्नोर क्यों नहीं करना, क्योंकि जितने एग्जाम्पल होते हैं यही आपके क्वेश्चन में, अभी आप देखोगे जब एडमिन क्वेश्चंस करेंगे कुछ तो वही क्वेश्चंस में फ्रेम होकर आ जाते हैं डिट्टो एग्जाम्पल। और सिर्फ यही क्वेश्चन में नहीं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी सेम टू सेम एग्जाम्पल फ्रेम होकर आ जाते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल से ही निकलते हैं। तो जितने एग्जाम्पल दिए गए उन्होंने बहुत एग्जाम्पल डाले हुए हैं, टाइम वेस्ट करता है वो, बट वही नहीं, जितने एग्जाम्पल में डाले हुए सारे के सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, वही एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं रिपीटेडली कहा लिख जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। चलिए, तो एग्जाम्पल वन क्या है, हाँ जी, तो बेसिकली क्या है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, इसको इंडेमनिफाई करेगा अगेंस्ट दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग जो कि सी लेगा, किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। क्यों लेगा, क्योंकि उसने 5000 रुपए एडवांस कर रखे हैं, किसने, सी ने, किसको दे रखे हैं 5000 रुपए, बी को दे रखे हैं। ठीक है जी, तो इन कॉन्सिक्वेंस व्हेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी, रुक जाओ, फेल टू डू सो, ये कनेक्ट यहाँ पे हो गया कि भैया बी से जब पैसे मांगे गए कि तुमने जो ले रखे हैं वो दे दो, तो उसने मना कर दिया, वो नहीं दे पाया। तो क्या इस इंडेमनिफिकेशन, मतलब जो इंडेमनिफाई का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके तहत क्या कर सकता है, जो सी है वो रिकवर कर सकता है, किससे, ए से रिकवर कर सकता है, जैसा कि हमारा सेक्शन 124 बेसिकली इंडेमनिफाई का यहाँ पे कहता है। ठीक है ना, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर बी को लॉस होगा तो ए ने क्या कहा कि भैया तुम्हें अगर देने पड़ गए तो उस केस में तुम मत देना, मैं दे दूंगा। तो जब उसको देने की बारी आई तो उसने मना कर दिया, जी मैं नहीं दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, सी जो है वो किससे ले सकता है, ए से रिकवर कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक और है आपका एग्जाम्पल नंबर टू, एक्स इज शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, लॉस्ट इज शेयर सर्टिफिकेट एंड अप्लाइड फॉर द डुप्लीकेट, द कंपनी एग्रीड टू इशू द सेम ऑन द टर्म दैट एक्स विल कंपनसेट द कंपनी अगेंस्ट द लॉस वेयर एनी होल्डर प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, हियर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन एक्स एंड द कंपनी। बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट था वो खो गया, ठीक है, अब आप कंपनी में जाते हो तो जी मेरे पास ही, मैं ही शेयर का मालिक हूँ, मेरे को दूसरा शेयर सर्टिफिकेट दे दो, तो कंपनी कैसे मान लेगी कि आप मालिक हो। उस केस में वो क्या कहती है कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर के दो, बेसिकली लिख के दो हमें कि जी सब कुछ प्रूफ करने के बाद हर एंगल से मैं ही इसका मालिक हूँ, इन केस अगर फ्यूचर में कोई और इसका मालिक निकल के आ जाएगा तो जो कंपनी को लॉस होगा वो मैं बियर करने के लिए तैयार। ठीक है जी, तो कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि अगर मुझे फ्यूचर में लॉस हुआ तो तुम कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, फ्यूचर में कोई निकल के आया तो उस केस में तुम भरने के लिए तैयार है। ठीक है, नाउ अगला एग्जाम्पल, एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट में अकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। ठीक है जी, इफ द ट्री देन ब्लोज ओवर एंड डैमेजेस वाइज फेंस, फेंस बेसिकली क्या, बाउंड्री जो होती है, एक्स विल लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द फेंस, एक्स जो है उस जो फेंस जो टूट फूट होगी उसको वो ठीक करने के लिए लायबल होगा। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक्स को एक पर्सन है वो वाई को इंडेमनिफाई कह रहा है कि भैया अगर जो पेड़ है तुम्हारे पड़ोस में उससे अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर वो पेड़ घुस के आ गया जब वो बड़ा होगा तो, और उससे अगर तुम्हारी कुछ टूट फूट हो जाएगी तो उसको मैं इंडेमनिफाई करूंगा, तो अगर ऐसा होगा तो इंडेमनिफाई करेगा। तो बेसिकली कुछ खास नहीं है, बेसिक एग्जांपल्स थे। ओके, तो टू इंडेमनिफाई, अब थोड़ी सी एनालिसिस के अंदर इसके जाएंगे, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट किया जाएगा। बेसिकली इंडेमनिटी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, जो मेन चर्चा आएगी वो किसके अंदर आएगी, आपकी गारंटी के अंदर आएगी। तो टू इंडेमनिफाई मीन्स टू कंपनसेट और मेक गुड द लॉस दस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्या होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस इज एसेंशियल, भैया लॉस ही नहीं होगा तो बात ही खत्म होगी,
हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने इंश्योरेंस की बात जैसे की, अगर उसकी गाड़ी चोरी नहीं होगी तो बात ही खत्म हो गई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस क्या है, आपका एसेंशियल एलिमेंट है। अनलेस द प्रोमिजी हैज सफर्ड अ लॉस ही कैन नॉट होल्ड द प्रोमिजर लायबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जब तक कि प्रोमिजी कौन है, इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, तो जब तक उसको कोई लॉस ही नहीं होगा तो वो प्रोमिजर को कहीं नहीं कर सकता कि भैया इंडेमनिफाई करो। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी इन एज मच एज इट कवर्स ओनली द लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर के द्वारा या फिर किसी एनी अदर पर्सन के द्वारा। दो लोगों के द्वारा लॉस हो सकता है, ये आपके स्टार्टिंग में भी आया था कि जब प्रोमिसर से हो सकता है, किसी और थर्ड पर्सन से होगा, दोनों केस में उसको कवर किया जाएगा। देन डज द लॉस ओकेशन बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजी और एक्सीडेंट और एनी एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड। अच्छा, ये क्या बात कह गया कि भैया अगर लॉस जो है इन दो के द्वारा होगा वो तो कवर्ड है, बट अगर प्रोमिसी खुद से अपना कोई लॉस कर ले तो उस केस में क्या इंडेमनिटी का मतलब इंडेमनिटी का कोई कॉन्सेप्ट बचेगा क्या? भैया मेरे को पता था कि मेरा कुछ नुकसान होगा, मेरी गाड़ी जल जाएगी, सपोज करो, तो मेरी गाड़ी अगर जल जाएगी तो उस केस में मेरे को कंपनी से पैसा मिलेगा, मैंने खुद ही जला दी गाड़ी को, तो क्या वो चीज चलेगी यहाँ पे? नहीं चलेगी। एक्सीडेंट बेसिकली वर्ड क्या कहा गया, तो एक्सीडेंट का बेसिकली मतलब क्या है, जब आप इंटेंशनली कोई ऐसी एक्टिविटी करो। एक्सीडेंट वर्ड को आपको वैसे रिलेट नहीं करना। द थिंग इज कि ये दो चीजें जो प्रोमिसी खुद करता है या खुद से उसने एक्सीडेंट कर लिया। एंड तीसरा आता है आपका एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड भी कवर्ड नहीं होता। ये चीज के ऊपर आपने बकायदा मूवी देखी हुई है, ठीक है ना, तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड अगर कुछ है तो वो भी आपका इसके अंदर कवर्ड नहीं होता है। देन मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो कैसे कैसे हो सकता है, तो भैया एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेड टू बी एक्सप्रेस्ड कब, जब पर्सन एक्सप्रेसली प्रॉमिसेस टू कंपनसेट द लॉस, कंपनसेट द अदर फ्रॉम लॉस, जब वो खुद से एक्सप्रेस कर दे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इट सेड टू बी इम्प्लाइड कब, व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जब एक्टिविटी के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा ये लग जाए कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया आपका। ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है। पुरानी बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो सारी वीडियोस अवेलेबल है, एक बार जाके रिकैप ले लो उसका, तब समझ लोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देन बात आती है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली बात है भैया, हर जैसे नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी जितनी एसेंशियल एलिमेंट्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, आपका यूनिट वन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो भी एसेंशियल एलिमेंट हुआ करते थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे के सारे इसके अंदर भी होना जरूरी है। क्या क्या था आपका, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इनविटेशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड या मैरिज था जो आपने देखा था। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टेन, इसका आपने देखा था कि भैया राइस चाहिए तो कौन सा राइस चाहिए स्पेसिफाई करो, ऐसा नहीं है कि आपका अनसर्टेन वे में वो चल जाएगा। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए इम्पॉसिबल हो, उसकी परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस होने लायक होना चाहिए, और लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो भी आपका होना जरूरी हुआ करता था। ये सारे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स तो जो आपने पढ़े हुए हैं, तो ये सारे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होना जरूरी है। नाउ अगला एग्जाम्पल, ए आस्क्स बी टू बीट सी प्रोमिसिंग टू इंडेमनिफाई फुल इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, कहा जी तुम उसको मारो और तुम्हें कुछ होगा तो मैं बचा लूंगा। तो बेसिकली क्या है, क्या इंडेमनिटी के अंदर कवर हो जाएगा? नहीं होगा। रीजन बिंग, क्योंकि जो कंटेंट है आपका, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो क्या है, अनलॉफुल है। द प्रॉमिस ऑफ ए कैन नॉट बी इन्फोर्स, सपोज बी बीट सी एंड इज फाइंड ₹1,000, बी कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है। नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो मैंने अभी बताया फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, तो वो आपका क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर हो जाता है। बट देर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता, क्योंकि वो दो पार्टीज नहीं होंगी और दूसरी पार्टी जो होगी वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए या क्लेम करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी लाइफ इंश्योरेंस के केस में, ठीक है जी। चलिए, देन राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो राइट अपने कब एक्सरसाइज करेगा, कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, तो द प्रोमिसी इंडेमनिटी होल्डर दैट इज प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रोमिस रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर या इंडेमनिफायर। क्या क्या, ये जो सवाल है सेक्शन 125 याद रखना, आपका पेपर का आया वो क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट एरिया है ये पूरा एक पैराग्राफ, तीन बातें इसके अंदर, बस ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर वन इज ऑल डैमेजेस, नंबर टू इज ऑल कॉस्ट एंड नंबर थ्री इज ऑल सम। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया, कुछ खास नहीं, बट ये आपको एज इट इज अगर आप याद करते हो इसको तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है पहला, ऑल डैमेजेस का मतलब क्या है, विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिस टू इंडेमनिफाई अप्लाइज, मतलब मैंने प्रोमिस किया था और वो
प्रॉमिस जो मैंने किया था कि मैं इंडेमनिफाई करूंगा, उससे रिलेटेड अगर वो सारी फैक्ट्स हैं, जितने वो सारे मैटर थे वो सारे अप्लाई होते हैं उस सिचुएशन में, तो सामने वाली पार्टी का जितना भी नुकसान होगा, सारे के सारे डैमेजेस जो होंगे, वो राइट है इंडेमनिटी होल्डर का कि वो मुझसे ले सकता है, मुझसे का मतलब प्रोमिसर से मतलब इंडेमनिफायर से, ठीक है। नंबर टू, ऑल कॉस्ट विच ही मे कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट ही डिड नॉट कॉन्टेविन द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इफ द प्रोमिसर ऑथराइज्ड हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। बेसिकली क्या हुआ कि अगर वो ये रिकवर करने के लिए, जो डैमेजेस मुझसे रिकवर कर रहा है कौन, इंडेमनिटी होल्डर, उसको करने के लिए उसको मेरे ऊपर सू करना पड़ा उसके रिलेटेड, और उसने कुछ खर्चे कर दिए, तो जो भी उसने वो खर्चे कर दिए वो सारे खर्चे भी मुझसे वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर। नंबर थ्री, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सूट एनी सच सूट इफ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर, नॉट कॉन्ट्रेरी इन द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर ने जैसा कहा था उसके अकॉर्डिंग ही कॉम्प्रोमाइज किया गया, एंड वॉज वन ऑफ विच इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर द प्रोमिसर टू मेक इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो उस केस में उसने प्रूडेंटली अपना दिमाग लगाते हुए उस काम को किया जो कि होना चाहिए था, और इफ द प्रोमिसरी ऑथराइज्ड हिम टू कॉम्प्रोमाइज द सूट, और अगर प्रोमिसर ने खुद ही कहा था कि भैया तुम्हें ऑथराइज किया जाता है तुम इस सूट को कॉम्प्रोमाइज करो, बेसिकली क्या है कि मैंने सपोज अपने वकील को कहा कि भैया तुम इस केस को सेटल कर लो और अगर कुछ पेमेंट करनी पड़ी तो पेमेंट भी कर देना, ठीक है पेमेंट कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारी फीस तो दूंगा ही दूंगा, साथ साथ में जो तुम पेमेंट करोगे वो भी पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑल सम्स, ठीक है। ऑल सम जो कि कॉम्प्रोमाइज करने के अंदर पे किया और मेरे को उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, जिसने भी पे किया है उसके वो पैसे भी देने पड़ेंगे, साथ में अगर उसकी कुछ फीस होगी तो वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन चीजें आती हैं, ऑल डैमेजेस जहां मुझे डायरेक्टली पार्टी को पे करना है, ऑल कॉस्ट अगर उस पार्टी ने कुछ इनकर किया उस डैमेजेस को क्लेम करने के लिए तो वो कॉस्ट भी होगी, वो भी मुझे उसको पे करनी पड़ेगी, एंड नंबर थ्री, ऑल सम्स उस केस में जब मेरे बिहाफ पे किसी ने पे कर दिया तो मेरा उसके साथ एक क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन गया, तो मुझे उसको वो सारे पैसे देने पड़ेंगे जो उसने सेटलमेंट के वे में भी पे किया है, वो भी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। एनालिसिस में कुछ खास ऐसा बताया नहीं गया है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव प्रोविजन दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रोमिसी दैट इज इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटीज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर दैट इज इंडेमनिफायर द फॉलोइंग राइट्स, क्या क्या, ऑल डैमेजेस, इसको ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना इसको आप इजिली याद कर सकते हो, और एग्जाम में अगर आप ये भी लिख के आगे तो वो सफिशियंट है, ऊपर जो थी वो पूरी लॉ की लैंग्वेज थी, ये आपका जो उसको एनालाइज किया वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, तो ये भी लिख के आगे तो सफिशियंट है। क्या क्या है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, दूसरा ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग डिफेंडिंग दिस सूट, सामने वाले को डिफेंड करने के लिए अगर कुछ कॉस्ट लगी तो वो भी पे करना पड़ेगा। Then, all sums which he may have paid under the terms of any compromise of suit, ठीक है, सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज के केस में अगर आपको कुछ मतलब जो भी अमाउंट आपका रेज हुआ वो सारा का सारा आपको सम पे करना पड़ेगा। इट मे बी अंडरस्टूड दैट द राइट्स कंटेम्प्लेटेड अंडर सेक्शन 125 आर नॉट एग्जॉस्टिव, ये जो राइट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है, मतलब इतने ही नहीं है, इससे रिलेटेड कोई और भी चीजें होंगी तो वो भी वो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर। द इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड हैज अदर राइट्स बिसाइड दोज मेंशन्ड अबव इफ ही हैज इनकर्ड अ लाइबिलिटी एंड दैट लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट ही इज इंटाइटल्ड टू कॉल अपॉन द इंडेमनिफायर टू सेव हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी एंड पे इट ऑफ। बेसिकली क्या है, कुछ भी और ऐसा जो कि लाइबिलिटी ऐसी थी जो कि उसके एक्ट मतलब जो उसका एग्रीमेंट है जिसको कॉन्ट्रैक्ट उसमें कवर हो जाता है, ठीक है, और वो लाइबिलिटी रेज हो जाती है तो वो इंडेमनिफायर से कह सकता है कि भैया पे करो इसको क्योंकि ये मेरा नुकसान हुआ एज पर द एग्रीमेंट। नाउ प्लीज नोट दैट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट अबाउट द राइट्स विच इंडेमनिफायर हैज ऑन कैरिंग आउट द प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई, बट दे आर सिमिलर टू द राइट ऑफ अ श्योरिटी अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के श्योरिटी के बारे में, कह रहा है उसके सिमिलर है। बाकी इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसे कोई राइट के बारे में लिखा नहीं गया, किसके राइट के बारे में लिखा गया, राइट किसके, इंडेमनिफायर के, ऊपर किसका राइट लिखा हुआ था, इंडेमनिफाइड का मतलब इंडेमनिटी होल्डर का, तो होल्डर वाले का राइट तो है वो ले सकता है ले सकता है ले सकता है, और इंडेमनिफायर जिसने गारंटी दी एक प्रकार की मतलब गारंटी क्या इंडेमनिफाई किया है, श्योर सामने वाले को एक भरोसा दिया कि अगर तुम्हारा कोई लॉस होगा तो उसको मैं पूरा करूंगा, तो उसके क्या राइट है, तो उसके राइट कहीं भी एक्ट में लिखे हुए नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि जो 141 सेक्शन आएगा जहाँ पे श्योरिटी है, श्योरिटी भी क्या करता है एक तरीके से जिम्मा ही तो उठाता है कि तुम्हारा अगर कोई नुकसान हो जाएगा किसका, क्रेडिटर का, किसके वजह से, डेटर के वजह से, प्रिंसिपल डेटर की वजह से, तो उसको मैं बियर करूंगा, तो कह रहे हैं जो उसके राइट होंगे जो भी हम पढ़ेंगे वो उसके सिमिलर माने जाते हैं, बट ऐसा कहीं पर रिटर्न नहीं है।
When does the liability of an indemnifier commence? कब होगा? तो अगेन ऑल्दो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 साइलेंट ऑन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इट कैन बी स्टेटेड दैट द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बिकम ऑब्सोल्यूट एंड सर्टेन. मतलब जब उसकी जो लाइबिलिटी है वो सर्टेन हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, तो उसके राइट जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अराइज हो जाएंगे. दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट इन सेवरल केसेस. नाउ एग्जांपल देखो, अ प्रॉमिसेस टू कॉम्पनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई. ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया कि भैया एक्स को कि तुम्हारा कोई भी लॉस होगा जो तुम केस फाइल कर रहे हो वाई के अगेंस्ट, तो उसको मैं कंपनसेट करूंगा. द कोर्ट ऑर्डर एक्स टू पे वाई डैमेजेस कितना, 10,000 रुपए. तो एज अ लॉस हैज बिकम सर्टेन. अब जैसे इंडेमनीफायर के राइट कब होंगे, जब लॉस पता लगे कि भैया 10,000 का लॉस हो गया है, तो अब जो ये ए है, ये ए क्या करेगा, ये ए एक्स को पे करेगा कितना, 10,000 रुपए. एक्स में क्लेम अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम ए एंड पास इट टू वाई. एक्स जो है वो ए से लेगा और वाई को पास कर देगा. ठीक है, तो ये बेसिक है. और तो ये एरिया आपसे यहाँ से पूछा नहीं जाएगा. अगर मैं यहाँ तक का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, तो यहाँ तक में इंपॉर्टेंट आपने क्या देखा, तो आपने इंपॉर्टेंट ये देखा, एक तो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, नंबर टू कि जो आपके पार्टीज होते हैं वो पार्टीज कौन से होते हैं, ये दो पार्टीज होते हैं इसके बारे में बताना चाहिए, और इंडेमनिटी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताना चाहिए. बस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी जो बेसिक चर्चा थी वो बताना चाहिए, ट्रू फॉल्स टाइप में या ऑब्जेक्टिव में आ जाए वो अलग चीज है, बट बेयर क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका इन्हीं दो तीन एरिया से बन सकता है. नाउ जो मेन चर्चा आप खुद देखो, 28 पेजेस का मोटा मोटा चैप्टर है जिसके अंदर 5 पन्नों में पूरा निपट गया. पूरी चर्चा जो बचेगी वो किसकी बची है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, विच इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल. मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे तीन पार्टीज लेके चलूंगा, यू आर द प्रिंसिपल डेटर, आई एम द क्रिएटर, एंड जो थर्ड पर्सन इमेजिन करेंगे एक्स वाई जेड जो भी होगा वो हमारा कौन होगा, श्योरिटी होगा. चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रिएटर, सेक्शन 126. वहां पे कौन सा था, सेक्शन 124. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. बेसिकली क्या है कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो थर्ड पर्सन जो है उससे मैं रिकवर कर लूंगा. ठीक है, तो श्योरिटी तीन पार्टी से, बेसिकली श्योरिटी ए पर्सन हु गिव्स द गारंटी, थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल डेटर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन. मतलब आपका डिफॉल्ट, आप जो प्रिंसिपल डेटर हो, आपका डिफॉल्ट होगा तो उसके लिए ही गारंटी दी गई है, देन यू आर द प्रिंसिपल डेटर. एंड क्रिएटर कौन है, पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी मिली है वो कौन है, जिसको कुछ ना कुछ रिकवर करना है, कुछ ना कुछ चार्ज करना है, कुछ ना कुछ लेना है, वो कौन है, क्रिएटर है, जिसको मैं एग्जाम्पल में खुद को लेके चल रहा हूँ. चलिए जी, एग्जांपल नंबर 1, व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड 10,000 टू सी एंड गारंटी दैट सी विल रीपे द अमाउंट विद इन द एग्रीड टाइम एंड दैट ऑन सी फेलिंग टू डू सो ही, मतलब ए विल हिमसेल्फ पे टू बी, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. मतलब क्या है, ए ने रिक्वेस्ट किया बी को. ठीक है, मतलब ए थर्ड पर्सन, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं 10,000 का आपको दे दूं, और उसने मेरे को गारंटी दिया, और अगर आप नहीं दे पाओगे तो मेरे को वो पे कर देगा. तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. लोन लिया और दूसरा बंदा कह रहा है अगर उसने पे नहीं किया जिसने लोन लिया है तो मैं पे कर दूंगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है. बेसिक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 और देख लेते हैं. एक्स एंड वाई गो इनटू अ कार शोरूम वेयर एक्स सेज टू द डीलर टू सप्लाई लेटेस्ट मॉडल ऑफ वैगनआर टू वाई. एक्स ने कहा कि भैया तुम वाई को दे दो, एक्स मैं शोरूम डीलर मेरे को कह रहे हैं कि जी आपको दे दूं, मैं वाई को दे दूं. इन केस वाई फेलियर टू रिपे, अगर आप नहीं दे पाए, एक्स विल बी पेइंग फॉर इट, वो जो एक्स है वो मुझे पे करेगा. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज एक्स प्रॉमिसेस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ वाई इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. नाउ analysis, from the definition it can be analyzed that guarantee is a promise to pay a debt owed by a third person in case the latter does not pay. ठीक है जी, third person ने लिया हुआ है, अगर वो pay नहीं करेगा तो वो मुझे pay करेगा, promise to pay है जी हमारा basically guarantee के analysis के अंदर. any guarantee given may be oral or written. जो guarantee हमारी वो कैसी हो सकती है, जैसे कि हमने contract में पढ़ा हुआ है कि भैया जैसे contract हमारा oral written दोनों हो सकता है, दोनों valid होते हैं, वैसे जो guarantee है वो हमारी oral भी दी जा सकती है और written भी दी जा सकती है. ये जो agreement होगा बिल्कुल दिमाग में सेट करना है, tripartite agreement होता है between principal debtor, creditor और surety. जो मैंने आपको बताया था primary contract किसके साथ होगा, debtor creditor का, मेरा आपका. सेकेंडरी किसका होगा, creditor का surety के साथ, कि अगर उसने नहीं दिया तो मैं तुमसे लूंगा. और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा, श्योरिटी का और प्रिंसिपल डेटर का, कि अगर उसको पे करना पड़ा
तो उस केस में वो आपसे रिकवर करेगा बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, वेयर बाय द प्रिंसिपल डेटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। जो डेटर है मतलब जो आप हो, वो एक ऑब्लिगेशन में आपको श्योरिटी को देना पड़ेगा इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और परफॉर्म, अगर कुछ भी आपके बदले का पेमेंट या परफॉर्मेंस उसको करनी पड़ी है तो। ना द राइट ऑफ श्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाई द फैक्ट दैट द क्रेडिटर हैज रिफ्यूज टू सू द प्रिंसिपल डेटर और दैट ही हैज नॉट डिमांडेड द सम ड्यू फ्रॉम हिम। बेसिकली क्या हुआ कि मतलब जो क्रिएटर है, अगर आपने न्याय कर दिया तो मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं नहीं जा रहा आपके ऊपर केस कर, मुझे तो पता है भैया इसने गारंटी दे रखी है, तो अगर आप देने से मना कर दोगे, प्रिंसिपल डेटर जो है वो अगर देने से मना कर देगा तो मैं आपके ऊपर सू करने नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा श्योरिटी से ले लो, तो उससे उसको श्योरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको सू करूं चाहे ना करूं, मुद्दा ये कि आपने अगर पे नहीं किया, अनेबल टू पे होगा तो मैं उससे रिकवर कर सकता हूँ ना। एसेंशियल फीचर ऑफ गारंटी, क्या फीचर है इसके, तो क्या क्या चीजें हैं जो कि होना जरूरी है, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। तो नंबर वन क्या है आपका, प्रिंसिपल डेट उधारी हो रही, जब तक कुछ उधारी नहीं होगी तब तक उसकी गारंटी की दी जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ डेट होना जरूरी है, कुछ ना कुछ लेन देन होना जरूरी है। द पर्पस ऑफ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट, गारंटी बेसिकली है ही क्यों, ताकि किसी की पेमेंट को सिक्योर किया जा सके, किसकी पेमेंट को, मेरी पेमेंट को, जो मेरे को पैसे मिलने हैं उसको सिक्योर करने के लिए ही तो गारंटी का काम आ रहा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी, इट इज ऑफ द एसेंस ऑफ अ गारंटी दैट देयर शुड बी समवन लाइबल एज अ प्रिंसिपल डेटर, कोई लाइबल है, किसी की कोई ना कोई लाइबिलिटी है, एंड द श्योरिटी अंडरटेक्स टू बी लाइबल ऑन हिज डिफॉल्ट, अगर आपका डिफॉल्ट होगा तो ही श्योरिटी लाइबल होगा। इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी, अगर डेट ही नहीं होगा तो गारंटी नहीं होगा। नाउ कंसिडरेशन, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड ऑल्सो सपोर्टेड बाई सम कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन होना भी जरूरी है, जैसे कि सभी में होता है। अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वॉइड हो जाएगा, बट देयर नीड नॉट टू बी डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। अब इसको जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारीक है। जो श्योरिटी है और जो क्रेडिटर है, क्या इसके बीच में कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन होना चाहिए? जी नहीं। इसके केस में बेसिकली कंसिडरेशन चलेगा कैसे, कि मैं उसको प्रॉमिस दे रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सॉरी, जो श्योरिटी है वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है क्रेडिटर को कि भैया वो पे करेगा अगर आपने पे नहीं किया, तो उसकी कंसिडरेशन में मुझे क्या करना है, मुझे आपको कुछ सप्लाई तो करना पड़ेगा ना। सपोज उसने मेरे को कहा कि 10,000 रुपये तुम दे दो, अगर वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, तो भैया मैं 10,000 रुपये दूंगा और वो मुझे क्या देगा, एक प्रॉमिस, ठीक है, गारंटी। तो ये आपका क्या, वो प्रॉपर कंसिडरेशन होगा, जो लेन देन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या है कि मुझे अगर श्योरिटी से कुछ मिल रहा है तो मुझे श्योरिटी को ही कुछ नहीं देना, मैं आपको दूंगा तो वो भी माना जाएगा प्रॉपर कंसिडरेशन है, ठीक है। देखो जरा, एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव बाय प्रिंसिपल डेटर इज सफिशियंट। कंसिडरेशन किसको मिला है, प्रिंसिपल डेटर को, आपको कंसिडरेशन मिला और वो सफिशियंट है, सफिशियंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, बट पास कंसिडरेशन तो है वो नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लाइक यू आर द प्रिंसिपल डेटर और अगर आप इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉम्पिटेंसी क्या होती है वो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो अगर आप इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि तीन पार्टी है, डेटर, क्रिएटर और श्योरिटी, इन तीन पार्टीज के अंदर अगर प्रिंसिपल डेटर मेरा इनकम्पिटेंट भी है तो चलेगा, ठीक है। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किसका होना जरूरी है, क्रेडिटर का होना जरूरी है और श्योरिटी का होना जरूरी है। अगर आप इनकम्पिटेंट हो चलेगा, श्योरिटी इनकम्पिटेंट हो जाएगा और श्योरिटी कह रहा है कि मैं तो हूँ 16 साल का बच्चा और मैं गारंटी देता हूँ ये पैसे दे देगा, हम नहीं मानेंगे उसकी बात। पर अगर कोई बड़ा बंदा 16 साल के बच्चे के लिए भी गारंटी दे रहा है तो वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो बट इफ द श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वॉइड, अगर वही हमारा इनकम्पिटेंट है श्योरिटी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल्स आए, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ए एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, सी प्रॉमिस टू द टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है जी। सी प्रॉमिस गारंटी दे रहा है और ए क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है गुड्स का, एज पर सेक्शन 127 देयर इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सीज प्रॉमिस, जो उसने मुझे प्रॉमिस दिया उसके लिए मैंने कंसिडरेशन पे कर दिया है, मैंने गुड्स को डिलीवर कर दिया है, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वैलिड। एग्जाम्पल नंबर टू, ए सेल एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टर वर रिक्वेस्ट ए टू फोर बियर टू सू बी फॉर अ डेट फॉर अ ईयर एंड प्रॉमिस दैट इफ ही डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय बी, ए एग्रीज टू फोर बियर एज रिक्वेस्टेड, दिस इज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर सीज कॉन्ट्रैक्ट, सीज प्रॉमिस। बेसिकली क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ था कि उसने मुझे पहले प्रॉमिस किया कि तुम सामान ले लो, ठीक है, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पे करूंगा अगर उसने पे नहीं किया तो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपको सेल कर चुका हूँ ऑलरेडी कुछ, उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि भैया तुम इसके ऊपर सू मत करना, ठीक है, तुम इसको सू मत करना, इसको माफ कर दो, और अगर इसने पेमेंट नहीं किया, इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, एक कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले पे कर दिया था, उसने मेरे को बाद में दिया, तो बेसिकली उसने जो मुझे प्रॉमिस दिया उसके बदले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फॉरबियर टू सू, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, एक प्रकार का कंसिडरेशन। तो बेसिकली क्या पिक्चराइज किया गया है, एनी प्रॉमिस मेड, एनीथिंग डन और फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डॉटर, फॉर द बेनिफिट, मैंने आपको सू नहीं किया, दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो इसको क्या माना जाता है, आपका कंसिडरेशन फॉर गारंटी माना जाता है। नाउ ए सेल एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीड टू पे फॉर डिफॉल्ट ऑफ द बी, मतलब मैंने आपको सामान बेचा था, कोई तीसरा बंदा आता है कह रहा है जी बिना कंसिडरेशन के वो पे हो गया, वो मान गया कि वो आपके बदले पैसे दे देगा, तो क्या ये माना जाएगा, मतलब उसके कहने में मैंने आपको सामान नहीं दिया था, वो ऑल्दो मुझे पैसे देने को तैयार है, तो क्या ये एग्रीमेंट जो होगा ये मेरा वैलिड माना जाएगा। मतलब एक सिंपली समझो, मुझे आपसे कोई लेन देन करनी थी, आपने मुझे पेमेंट देनी थी, मैं आपको कुछ सामान दे चुका था, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, हम दोनों लड़ाई चल रही, कोई तीसरा बंदा आता है और उसने मेरे को पैसे दे दिए, मेरा काम तो बन गया। अब इस केस में क्या होता है कि जो तीसरा बंदा जो श्योरिटी है उसने जो मुझे पेमेंट दी है वो आपसे रिकवर करेगा, क्या आप उसे पैसे दोगे, सोचो क्या आपसे पैसा दोगे, आप क्या बोलोगे, भैया तेरे को किसने बोला था बीच में आने को, कोई बात हुई थी, मैंने कहा था नहीं कहा था। तो इस केस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो क्या ये एग्रीमेंट यहाँ पे वैलिड बनेगा, नहीं बनेगा जी, क्योंकि वो क्या आया है विदाउट परमिशन है, बेसिकली प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर की यहाँ पे कोई मंजूरी नहीं थी, वो अपने आप ही पे करने के लिए रेडी हो गया आपके डिफॉल्ट होने पर, तो वो पे कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो, और आपका भी कह ही जा रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि जो आपसे क्या वो रिकवर कर पाएगा, नहीं रिकवर कर पाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट क्या है आपका वॉइड है। चलिए जी, थर्ड पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी, अगेन जैसे कि वहां पे पहला पॉइंट आया था आपका कि कुछ लेन देन होना जरूरी है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ लाइबिलिटी का होना जरूरी है, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटी, जिसकी परफॉर्मेंस की गारंटी दी गई, सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, द लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली इन्फोर्सिबल एंड नॉट टाइम बार्ड, ठीक है जी, दोनों चीजें सिंपल बात थी, एसेंशियल एलिमेंट बेसिकली कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होनी चाहिए, और लाइबिलिटी जो होगा वो आपका ऑब्वियसली लीगल होना चाहिए। नाउ ये इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ज्यादा, नेक्स्ट पॉइंट, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, मतलब क्या है कि सपोज करो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हमारा कोई काम चल रहा है, कोई बीच में गारंटी देने आया, और जो गारंटी देने आया अगर मैं उसको इस ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ भी काम की चीज ना बताऊं और मुझे गारंटी दे दे, कल को बेचारा वो फंस जाए और वो बोले जिस वजह से मैं फंस रहा हूँ ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, मतलब कि सपोज करो कि आप जो हो आपने पहले से भी बहुत सारे फ्रॉड के केस किए हुए, दिल पे नहीं लेना, बट मान लो कि आपने फ्रॉड के बहुत सारे कुछ केस किए हुए थे और कुछ एक फ्रेश ट्रांजेक्शन हमारी होने जा रही है और कोई आपकी गारंटी देने को राजी हो गया, और उसको हम ये नहीं बता रहे कि भैया इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो बहुत बेकार है, नहीं बताया मैंने, वो उसने गारंटी दे दी, कल को आपने फिर से फ्रॉड किया, मैं तो उसको पकड़ लूंगा, लेकिन क्या उस केस में ये चल पाएगा, ये वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल फैक्ट था जो कि उसको नहीं बताया गया, किसको नहीं बताया गया, श्योरिटी को। तो कोई भी ऐसी मटेरियल फैक्ट जो है ना वो आपको छुपाओगे और ना उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब जहां पे आपको भी नहीं पता था, ठीक है ना, तो वो दोनों केस में क्या माना जाएगा, आपका इनवैलिड माना जाएगा। देखो जरा, एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रिएटर, मैंने कुछ मिसरिप्रेजेंट किया उससे मेरे को गारंटी मिल गई, और विद हिज नॉलेज एंड एसेंट, मतलब मैंने जानबूझ के क्या लक्ष्य मैंने छुपाया, कंसीलमेंट कंसर्निंग अ मटेरियल फैक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड, वो हमारी ट्रांजेक्शन का एक मटेरियल फैक्ट होना चाहिए जो मैंने उसको नहीं बताया। एनी गारंटी विच द क्रिएटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टेंसेज इज इनवैलिड, मतलब कि अगेन जो मैंने गारंटी ली है और मैं चुप रहा, कुछ मटेरियल बातें थी उसमें मैं चुप रहा, मतलब ऊपर क्या हुआ था मिसरिप्रेजेंट किया मैंने, कुछ कुछ छुपाया मैंने, यहाँ क्या था मुझे पता था लेकिन मैं चुप था, मैंने ना कुछ हाँ बोला ना कुछ ना बोला, तो वो भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा वो भी क्या माना जाएगा, आपका इनवैलिड माना जाएगा। द थिंग इज कि वो मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल मतलब वो रेलेवेंट मैटर होनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने अगर नहीं बताया नहीं छुपाया या कुछ भी चीज ऐसी मैंने जिसमें मैं चुप रहा जो कि उसके काम का ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो मटेरियल नहीं है, और अगर वो मटेरियल नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। नाउ एग्जाम्पल देखिए, ए इंगेज बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, बी फेल ऑन अकाउंट ऑफ सम ऑफ हिज रिसिप्ट एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग, सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग, ए डज नॉट एक्वेंट
सी विद हिज प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, अगेन वही कि कोई धोखाधड़ी कोई क्लर्क कर रहा था और उसने कहा कि भैया तुम गारंटी दो तभी हम तुमको काम पे रखेंगे। सी ने आगे गारंटी दे दी और ए ने सी को भी बताया कि भैया इसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, बी ने फिर डिफॉल्ट कर दिया तो गारंटी क्या मानी जाएगी, ये इनवैलिड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये चीज नहीं बताई कि उसने पहले भी ऐसा काम किया हुआ था। नाउ राइटिंग नॉट नेसेसरी, तो ये आपने देख लिया था भैया, ओरल भी चलता है हमारा और रिटर्न भी चलता है। ज्वाइनिंग ऑफ दी अदर को सिक्योरिटीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ज्वाइनिंग ऑफ अदर सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि अगर दो या दो से अधिक सॉरी सिक्योरिटी कह रहा हूँ, दो या दो से अधिक जो श्योरिटीज है इन केस, और अगर दूसरे ने ज्वाइन नहीं किया तो जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेगा तब तक ये मेरा वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर दो श्योरिटीज थे, एक ने ज्वाइन कर लिया एक ने ज्वाइन नहीं किया, तो एक की लाइबिलिटी तब तक अराइज नहीं होगी तब तक दूसरा भी ज्वाइन ना कर ले। मतलब दोनों ज्वाइन करेंगे तब ये कंप्लीट माना जाएगा, टिल देन वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, द क्रिएटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज ज्वाइंड इन इट एज को श्योरिटी। द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन, अगर दूसरे वाले बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ एक ने ज्वाइन किया था, तो हमारा वैलिड वो नहीं माना जाएगा। दैट इंप्लाइज द गारंटी बाय अ श्योरिटी इज नॉट वैलिड इफ अ कंडीशन इज इम्पोज बाय श्योरिटी दैट सम अदर पर्सन मस्ट ऑल्सो ज्वाइन एज अ को श्योरिटी, दूसरा बंदा भी कोश्योरिटी में ज्वाइन करेगा, बट सच अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन एज अ कोश्योरिटी। मुद्दा वही है कि अगर कोश्योरिटी का केस है तो जो कोश्योरिटीज हैं दोनों, वो भी ज्वाइन दोनों जब तक नहीं करेंगे तब तक वो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ गारंटी, इंपॉर्टेंट एरिया है कि कितने प्रकार की हमारी गारंटी होती है। तो बेसिकली दो टाइप की हमारी गारंटी है, नंबर वन इज स्पेसिफिक गारंटी एंड नंबर टू इज कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मैंने गारंटी दिया, मैंने एक बार कहा, मतलब किसी श्योरिटी ने मुझे एक बार कहा कि तुम ऐसा करो, इसको ये 100 kg कोई भी आइटम है, राइस है, वो सप्लाई कर दो, और अगर इसने पैसे नहीं दे तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ। तो 100 kg सप्लाई कर दी, 100 kg के अगर मेरे पास पैसे आ गए गारंटी खत्म, 100 kg पैसे नहीं आए तो मैं उस श्योरिटी से रिकवर कर लूंगा, बात खत्म। बट उसने मेरे को अगर कहा कि 1 महीने तक सप्लाई करते रहो जो मर्जी ये मांगे, तो ये क्या है, कंटिन्यू गारंटी। 1 महीने तक मैं सबको सप्लाई करता रहूंगा जो भी वो मांगेगा, और इनकेस डिफॉल्ट होगा तो उसके लिए वो लायबल है। ठीक है, तो कंटिन्यू गारंटी का मतलब क्या है, जबको वो पीरियड स्पेसिफाई करेगा या फिर कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा, कह जी सीधे ओपन गारंटी दे दी। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब क्या होगा, जब वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए होगा, पर्टिकुलर डेट के लिए होगा। ठीक है, एक बार कहा उसने 10,000 को तो उधार दे दो, ठीक है, तो ये क्या है आपकी स्पेसिफिक गारंटी। तो अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक गारंटी। द श्योरिटीज लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटी डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रोमिस इज ड्यूली परफॉर्म। मतलब जो मैंने जो उसने मेरे को गारंटी दी थी, अगर सामने वाले ने उसकी पेमेंट कर दी तो मेरी गारंटी खत्म हो गई। ए गारंटी इज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 bags ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाई बी टू सी एंड टू बी पेड इन अ मंथ। बी डिलीवर 5 bags टू सी और सी ने उसके पैसे दे दिए। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज ए इंटेंडेड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द फर्स्ट 5 bags ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड वन टाइम। एक बार में जो 5 bag की बात हुई थी उसकी गारंटी दी गई थी, दैट इज स्पेसिफिक गारंटी। नाउ सेक्शन 129 आता है आपका कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या होगा, गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, चलता रहेगा, इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अ श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। अब रिवोकेशन के ऊपर पूरी चर्चा हमारी मस्त वाली आएगी। बेसिकली क्या कह रहा है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कब तक है, जब तक वो खुद अपनी गारंटी को वापस ना ले ले या किसी भी तरीके से रिवोक ना हो जाए। रिवोक होने के बहुत सारे जरिए आएंगे, वो नीचे देखेंगे अभी, बट किसी ना कहीं ना कहीं वो रिवोक जब तक नहीं होगा तब तक उसकी गारंटी जो होगी वो चलती रहेगी। ऑन एज रिकमेंडेशन बी अ वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी एज इज स्टेट मैनेजर। इट वॉज ड्यूटी ऑफ सी टू कलेक्ट रेंट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द टेनेंट ऑफ बी एंड रेमिट द सेम टू बी बिफोर 5th of every month। ए गारंटी दिस अरेंजमेंट एंड प्रॉमिस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट मेड बाय सी। ये क्या है हमारी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। मतलब क्या हुआ, किसी ने मेरे को एक गारंटी दी, कहा कि तुम इसको किसी पर्सन को रख लो और ये क्या करेगा, तुम्हारा रेंट रिकवर करेगा 1 तारीख को और 5 तारीख तक तुमको दे देगा। अगर इसने कोई भी डिफॉल्ट किया, पैसे लेके भाग गया, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो लायबल होगा। ठीक है, तो ये तो रेंट जो है ये हर महीने का प्रोसेस हो गया, इसने कुछ बताया नहीं कि सिर्फ 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं बताया। ये क्या हो गया, एक प्रकार की मेरी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, जहां पे कोई भी टर्म कोई भी पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, अभी इसके ऊपर चर्चा आएगी, ये खत्म नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का पूरा एक टॉपिक अभी नीचे उतर के आएगा दोबारा से। ठीक है, ये बस टाइप्स ऑफ गारंटी के अंदर उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देख लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देख लिया। अभी गारंटी के अंदर डूबी मारनी है बहुत ज्यादा,
पूरा चैप्टर भी गारंटी का ही बचा हुआ है, बस बेसिक में यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ गया। तो डिस्टिंक्शन अगर देख लो तो आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ पार्टीज जो है वो इंडेमनिटी के अंदर कितने होते हैं, दो, और गारंटी के अंदर कितने होते हैं, तीन। नाउ नेचर ऑफ लाइबिलिटी जो है, तो नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर जो है वो क्या है, प्राइमरी और अनकंडीशनल है। मतलब कि भैया इंडेमनीफायर में तो एक ही बंदा है और कोई कंडीशन ही नहीं है, जैसे उसको नुकसान होगा उसको पैसे भरने पड़ेंगे, बात खत्म हो गई। बट यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी क्या है, सेकेंडरी और कंडीशनल है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिया तो श्योरिटी देगा, अगर उसने पैसे दे दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कंडीशनल, तो लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, एज द प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। पहली लाइबिलिटी किसकी है, डेटर की है। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, तो टाइम ऑफ लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इंडेमनिटी के केस में क्या होता है कि जैसे ही कंटीजेंसी, जिस चीज की कंटीजेंसी के ऊपर हमने बात कर रखी है, वो जैसे ही हो जाएगी, घटना घट जाएगी, लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। और गारंटी के केस में क्या है कि जब हमारा प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर क्या हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। टाइम टू एक्ट, द इंडेमनिफाइड नीड नॉट टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, और द श्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। बेसिकली क्या है कि इंडेमनिटी होल्डर के कहने से इंडेमनीफायर काम नहीं करेगा, वो तो तभी देखेगा जब नुकसान हुआ। इंडेमनिटी होल्डर पहले जाके कह देगा तो उससे बात नहीं बनेगी, बट प्रिंसिपल डेटर जो है वो पहले जाके कह सकता है कि भैया मेरे पास देने को नहीं है, तुम पे कर दो, तो उसकी रिक्वेस्ट पे वो उसको पहले भी उसको परफॉर्म कर सकता है, मतलब तो उसकी एक्ट हो जाएगी। राइट टू सू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को सू करने का कोई राइट है क्या, जी कोई मतलब ही नहीं है। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम, एज देर इज नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सच अ राइट वुड अराइज ओनली इफ देर इज असाइनमेंट इन हिज फेवर। मतलब यहाँ पे कोई सिंपल भी हो रहा है, उसका नुकसान हो तो क्या करती है, थर्ड पार्टी को सू करेगा, कोई केस नहीं ऐसा। बट यहाँ पे क्या है, श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट बिकॉज ही गेट ऑल द राइट ऑफ क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट। मतलब क्या है कि अगर जो श्योरिटी है उसने मुझे पैसे दे दिए, तो जो क्रेडिटर्स के जितने भी राइट थे, काय के राइट थे, आपसे पैसे वसूलने के, वो सारे राइट किसके हो जाते हैं, अब श्योरिटी के, वो सारे राइट उसके चले गए, वो सारे राइट के तहत वो आपसे पैसे वसूल सकता है। पर्पस, क्या पर्पस है जी इसका, रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस, और यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी होगी किसकी, क्रेडिटर की, उसकी सिक्योरिटी के लिए ही गारंटी का कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे दो पार्टी होते हैं और दोनों का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा जो प्रिंसिपल है, डेटर है, वो अगर माइनर हो तो भी चलेगा, तो भी हमारा वैलिड माना जाएगा। मेजर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इन केस अगर डेटर हमारा माइनर है, जैसे कि आप लोग, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, ये वैलिड माना जाएगा। नाउ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी, अगेन अब वही आ गया, आपका गारंटी खत्म नहीं हुआ, अभी श्योरिटी के ऊपर फिर से आ गए कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी क्या है। तो क्या कह रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटीज को एक्सटेंसिव विद डेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली क्या कह रहा है कि भैया जितनी लाइबिलिटी डेटर की होगी, वही लाइबिलिटी किसकी है, आपकी श्योरिटी की है, उससे ज्यादा तो नहीं है ना, जितनी लाइबिलिटी होगी डेटर की उतनी ही रहेगी। एनालिसिस में देख लो, द टर्म को एक्सटेंसिव विद डेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मीन्स दैट श्योरिटी इज लायबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। जितना लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की थी उतने के लिए ही कौन लायबल, श्योरिटी लायबल, उससे कोई ज्यादा पैसे तो आप ले नहीं लोगे। हाउएवर द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी मे बी मेड लेस देन दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि लाइबिलिटी जो कि श्योरिटी की है वो कम भी हो सकती है। कम कैसे हो सकती है, इसको समझो, सपोज करो कि श्योरिटी ने गारंटी दी थी जी 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप कर लो, अगर वो आपको नहीं देगा तो 20,000 तक तो मैं दे दूंगा। आपने ट्रांजेक्शन, मतलब क्रेडिटर ने ट्रांजेक्शन कर ली कितने की, सपोज 30,000 रुपए की, तो डिफॉल्ट तो मेरा 30,000 रुपए का, लेकिन क्या मैं श्योरिटी से 30,000 रुपए ले सकता हूँ, नहीं जी, कितना ले पाऊंगा, 20, क्योंकि उसने गारंटी कितने की दी थी, 20,000 रुपए की दी थी। तो ये है आपका कि इन केस श्योरिटी की लाइबिलिटी कम भी हो सकती है, डेटर से ज्यादा होने का सवाल नहीं उठता। द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी अराइज ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। बेसिक कॉमन चीज है कि भैया जब वो डिफॉल्ट करेगा तभी उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी, अगर उसने डिफॉल्ट किया तो कोई दिक्कत ही नहीं उठती है। बट एज सून एज द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी बिगिंस एंड रन्स को एक्सटेंसिव विद द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इन द सेंस दैट द श्योरिटी विल बी लाइबल फॉर ऑल दोज सम फॉर विच द प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल। अब इंपॉर्टेंट एरिया, इफ देर इज अ कंडीशन प्रिसिडेंट फॉर श्योरिटी लाइबिलिटी, द श्योरिटी वुड बी लाइबल ओनली वेन सच कंडीशन इज फुलफिल्ड। अ पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल इज फाउंड इन सेक्शन 144। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपने को श्योरिटी वाला एक पॉइंट देखा था, ठीक है, को श्योरिटी वाले में क्या कहा था कि श्योरिटी अगर है, और को श्योरिटी की बात की गई थी, तो को श्योरिटी इज अ कंडीशन, अगर दूसरा बंदा जो श्योरिटी में आने वाला था वो आया ही नहीं, तो क्या श्योरिटी वाले की को श्योरिटी की कंडीशन थी वो फुलफिल हुई, नहीं फुलफिल हुई। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या उसकी लाइबिलिटी होगी, अगर इनकेस प्रिंसिपल डॉटर डिफॉल्ट कर दिया तो, नहीं होगी।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैंने आपसे कोई ट्रांजेक्शन कर रखी थी और मैंने श्योरिटी को कहा कि भाई साहब एक तुम भी श्योरिटी हो और एक मिस्टर एक्स भी श्योरिटी है। ठीक है, उसने कहा ठीक है जी मैं बन जाता हूँ। पता लगा जब आपका डिफॉल्ट हो गया तब तक वो जो मिस्टर एक्स था वो आया ही नहीं, श्योरिटी का पता ही नहीं है। तो उस केस में जिस बंदे को हमने श्योरिटी बनाया था अगर एक्स नहीं आया तो क्या वो कहेगा कि जी मैं तैयार हूँ देने को? नहीं, उसकी एक कंडीशन थी कोई श्योरिटी वाली, वो फुलफिल नहीं हुई। तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। फिर से देख लो, इफ देर इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर श्योरिटीज लाइबिलिटी, श्योरिटी लाइबिलिटी अराइज होने से पहले की कोई कंडीशन है, द श्योरिटी वुड बी लाइबल ओनली वेन सच कंडीशन इज फुलफिल। जो श्योरिटी है वो तभी लाइबल होगा जब उसकी कंडीशन फुलफिल होगी, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में वो लाइबल नहीं होगा। तो आगे का लिखा, पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज फाउंड इन सेक्शन 144 ज्वाइनिंग ऑफ कोश्योरिटी। ठीक है जी, इसकी चर्चा ऊपर भी थोड़ी सी आई थी, अभी नीचे भी आएगी। तो कोश्योरिटी वाले पॉइंट में इसकी चर्चा हो जाती है कि भैया अगर ऐसा कोई कंडीशन है जो कि फुलफिल ही नहीं हुआ तो उस केस में हमारा जो श्योरिटी है वो लाइबल नहीं होगा। नाउ वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। सिंपल सी बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मेरी ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट में कमी है, किसी भी प्रकार की ऐसी कमी है जिससे कि मेरा डेटर ही लायबल नहीं होता, तो अगर डेटर ही लायबल नहीं होता तो क्या श्योरिटी लायबल होगा? मतलब ही नहीं बनता। देन श्योरिटी लायबिलिटी कंटिन्यूज, क्या कह रहा है, इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट बीन सूड और इज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग सूड। जैसे हमारा ऊपर पॉइंट आया था कि भैया मैं क्रेडिटर हूं, मैं नहीं आपके ऊपर केस कर रहा, मुझे पता है श्योरिटी मुझसे पैसे ले लूंगा, तो ये पॉसिबल है। इन अदर वर्ड्स, अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट दी श्योरिटी फर्स्ट, मैं श्योरिटी से ही पहले प्रोसीड कर लूं, अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी। अनलेस कि मैंने कोई एग्रीमेंट उसने कर रखा हो कि भैया नहीं पहले वो डिफॉल्ट करेगा फिर तुम उसके ऊपर केस करोगे, फिर भी अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। अगर कुछ ऐसा है फिर तो अलग बात है, बट अदरवाइज इन सिंपल सिनेरियो अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो मैं आप पे केस करने नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा किससे पैसे ले लूंगा, श्योरिटी से पैसे ले लूंगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल, अ गारंटी टू बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर, द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच मे हैव बीन बिकम ड्यू ऑन इट। बेसिक सी बात थी कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ चार्जेस वगैरह होंगे तो श्योरिटी उसके लिए भी लायबल होगा अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा हमारा, तो मतलब मुद्दा वही है ना, जिस चीज के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है, डेटा अगर डिसऑनर्ड हो गया तो उस पर जो आपके नोटिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह, तो उसके लिए डेटर भी लायबल है, और अगर डेटर लायबल है तो उसी अमाउंट के लिए कौन लायबल होगा? हमारा श्योरिटी। नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी कैन बी सम्यूम्ड अप एज फॉलोज, ऊपर की बातों को थोड़ा समराइज करके यहाँ लिखा गया है बस, और कुछ नहीं है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑफ द सेकेंडरी नेचर एज ही इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर, ए पॉइंट। हिज लायबिलिटी अराइज इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर, जैसे वो डिफॉल्ट करेगा इसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। नंबर टू, क्रेडिटर हैज राइट टू सू द श्योरिटी डायरेक्टली, मैं सीधा सीधा उसको सू कर सकता हूँ श्योरिटी के, भैया तुम पैसे दे दो, हम उसके डेटर के अगेंस्ट प्रोसीड ना चलाओ तो भी चलेगा। तो ऊपर की बातों को समराइज किया हुआ था, नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूइंग लायबिलिटी, जो ऊपर आया था जो मैंने कहा था, दोबारा रिपीट होगा। कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या था हमारा सेक्शन 129 में, क्या देखा था हमने, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। जहां पे ट्रांजेक्शन की जो प्रॉपर क्या चलती है, एक सीरीज चलती है। द एसेंस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाइज नॉट टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मेड दी श्योरिटी लायबल फॉर दी अनपेड बैलेंस एट दी एंड ऑफ दी गारंटी। सपोज एक गारंटी दी गई 2 महीने के लिए, 2 महीने का जितनी ट्रांजेक्शन होगी जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसके लिए लायबल होगा कौन? श्योरिटी हमारा, जो एंड का बैलेंस बचा हुआ होगा उस पूरे पीरियड का, जिस पीरियड के लिए भी कंटिन्यूइंग गारंटी आपको दी गई थी। ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल इंप्लॉय सी इन कलेक्टिंग रेंट्स ऑफ बी जमींदारी प्रॉमिस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ ₹5,000 फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय दोज बाई सी ऑफ दोज रेंट, दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। भैया उसने कह दिया जी 5,000 तक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी वो आपका रेंट रिकवर करके लेके आएगा, जब भी कुछ डिफॉल्ट होगा 5,000 तक तुम उससे आगे ले जाना। तो ये क्या एक प्रकार की कंटिन्यूइंग गारंटी है, जहाँ पे टर्म स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट, और ए गारंटी पेमेंट टू बी अ टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ ₹100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। कह रहा है जी टाइम टू टाइम जो भी तुम सप्लाई करोगे, टाइम टू टाइम मतलब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ₹100 के लिए मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। ठीक है जी, बी सप्लाई सीज विद टी टू अबव द वैल्यू ऑफ ₹100, 100 से उसने ज्यादा का सप्लाई कर दिया, एंड सी पेज बी टू इट। आफ्टर दैट बी सप्लाई सी विद टी ऑफ वैल्यू ऑफ ₹200, उसने ज्यादा का पहले सप्लाई किया, उसने उसके पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी का सवाल ही नहीं उठा। उसके बाद उसने 200 का फिर सप्लाई किया और कह रहा है कि उसने पैसे नहीं दिए। अब जब उसने पैसे नहीं दिए तो ऑल दो यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी थी, लेकिन जो ए है वो कितने पैसे देगा? सिर्फ और सिर्फ ₹100 के लिए लायबल है, जिसकी उसने गारंटी दी थी उसके ऊपर के लिए लायबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थ्री, ए गारंटी पेमेंट टू बी
अब दी प्राइस ऑफ 5 sack ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड बाय B2C एंड टू बी पेड फॉर इन अ मंथ। बी डिलीवर कर दिया 5 sacks टू सी, सी ने उसके पैसे दे दिए। आफ्टरवर्ड बी ने 4 sack और दिए, 4 बोरी और दिए, विच सी डज नॉट पे फॉर। तो गारंटी गिवन बाय ए वॉज नॉट अ कंटेनिंग गारंटी। ध्यान दो क्या कह रहा है कि सिर्फ 5 बोरी की उसने बात की थी, 5 बोरी दे दी उसकी गारंटी खत्म होगी, 5 के पैसे आगे बात खत्म होगा। उसके बाद आपने 4 बोरी और दी उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ये गारंटी जो है आपकी क्या नहीं है, कॉन्टेनिंग गारंटी नहीं है। स्पेसिफाइड टर्म, लिमिट, नंबर, कुछ ना कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड है तो वो कॉन्टेनिंग गारंटी नहीं हो सकता। इन द कॉन्टेनिंग गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कंटिन्यूज टिल द परफॉर्मेंस और द डिस्चार्ज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंटर इन टू और बाई द गारंटी इज विड्रॉन। कह रहा है ये लाइबिलिटी जो होगी वो कब तक चलती रहेगी, जब तक कि पूरी परफॉर्मेंस ना हो जाए। जितने भी ट्रांजेक्शन थे जो भी उसके बीच में एंटर किए गए, जो भी प्रिंसिपल डेटा से लेन देन हुई, वो सारे सारे डिस्चार्ज ना हो जाए, या फिर वो जो बंदा है वो अपनी गारंटी को विदड्रॉ ना कर ले। 3 चीजें आपके यहाँ पर हैं, परफॉर्मेंस ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए सारे ट्रांजेक्शन, और गारंटी विदड्रॉ ना कर ली जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लाइबिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, चलती रहेगी। लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लाइबल नॉट अफेक्टेड बाई अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। क्या कह गया, तो देखो जरा एक बार, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक एरिया आएगा, एक एग्जांपल आएगा, बात खत्म हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ अनदर। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो सच पर्सन may have been aware of its existence। basically क्या कह गया ये, देखो अगर आपने कोई primarily contract किया हुआ है और second contract किसी और person के साथ करते हो और उसको पता है कि आप दो लोगों का आपस में कुछ contract था, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी जरा example में समझो, जरा इसको ये इसकी पूरी संवाद यही था, एक बार example पढ़ के फिर दोबारा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पूरी लॉ की लैंग्वेज है, सेक्शन 132, ठीक है। देखो जरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ए एंड बी मेक अ ज्वाइंट एंड सेवरल प्रोमिसरी नोट टू सी, ठीक है। ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी एंड सी नोज दिस एट द टाइम ऑफ व्हेन द नोट इज मेड। सी को ये बात पता थी, ठीक है। ए मेक्स इट इन फैक्ट एज अ श्योरिटी फॉर बी, ए जो है वो क्या है, श्योरिटी है बी के लिए, उन्होंने मिलकर प्रोविजन नोट बनाया है ऑल्दो, पर ए क्या है, श्योरिटी है बी के लिए और सी को ये बात पता है। द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड टू द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू सी सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। मतलब क्या हुआ, ए और सी दो पार्टी, सपोज करो आप और मैं एक पार्टी है, ए और सी, ठीक है जी। जो अपने पूरे वाले एग्जांपल में चलते हैं, मैं क्रिएटर हूं, आप एक पार्टी हो और एक हमारा श्योरिटी है, ठीक है ना। श्योरिटी और आप दोनों ने मिलकर कोई एक प्रोविजरी नोट बनाया है मेरे साथ, ठीक है। मुझे पता है कि जो मैं मेन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ इस प्रोविजरी नोट के अंदर, मेन पार्टी आप हो और वो तो बस श्योरिटी है, लेकिन प्रोविजरी नोट पे दोनों का नाम, तो वो आप लोगों का एक क्या हो गया, बेसिकली प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों ने मिलकर मुझसे क्या किया, एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे इस प्रोमिसरी नोट के तहत आपसे कुछ वसूलना होगा तो मैं दोनों से वसूलूंगा या श्योरिटी पहले बच जाएगा, पहले मैं आपसे लूंगा फिर आप नहीं दोगे तो श्योरिटी दोगे, क्या ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं दोनों से इक्वली प्रोपोर्शनेटली रिकवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मुझे आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है। तो क्या कह रहा है, सी मेड टू द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन दी नोट। इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा कि आप श्योरिटी थे और इसको पता था, नॉलेज ऑफ सी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा एक बार लॉ को पढ़ लो, वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी। दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन से किसी सर्टेन लाइबिलिटी के लिए, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, आपस में भी उन्होंने कर रखा है, दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द अदर। वो जो दो लोग हैं आप दोनों, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भैया ये वाला बंदा जो श्योरिटी है तभी लायबल होगा जब आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है जी, आपस में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो थर्ड पर्सन है जो कि पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड। जो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो सच थर्ड पर्सन मे नॉट हैव अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कि ऑल्दो सच थर्ड पर्सन जो मैं हूं मे हैव अवेयर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, आपका जो ये एग्जिस्टेंस एक श्योरिटी और उसकी वाली जो भी बात चल रही है उसके बारे में मुझे पता भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपस में आपसे रिकवर करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ एक था सिंपल सा, एक बेसिकली केस स्टडी टाइप का है, केस स्टडी फॉर्म में आपका इस एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके एग्जाम में पाया जा सकता है। नाउ
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, अगेन वही है, श्योरिटी की कंटिन्यू गारंटी चलती जा रही है, तो उसकी डिस्चार्ज कब होगी श्योरिटी की, किस किस तरीके से हो सकती है। तो श्योरिटी इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन इट इज हिज लाइबिलिटी एज श्योरिटी कम्स टू एंड। द वेरियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एज डिस्कस बिलो, क्या है? पहला, द बाई द रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था उसको उसने रिवोक कर लिया। बाई द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और बाई द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मतलब तीन बेसिकली फ्रेम चलेंगे यहाँ पे, उन तीनों को अच्छे से एलेबोरेट किया गया, काफी सारे इसके अंदर पॉइंट है। रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाद ही खत्म हो गई, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो डिस्चार्ज हो गया, कुछ भी मैंने गलती कर दी, कुछ मैंने ऐसा कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कर दिया, तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा था वही किसी रीजन के वजह से क्या कहला गया, इनवैलिड कहला गया। तो इन तीनों के फॉर्म में क्या होगा, हमारा श्योरिटी जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट क्या है, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यू गारंटी बाय नोटिस। ठीक है, बाय नोटिस जो कॉन्टिन्यू गारंटी है वो क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। नोटिस बेसिकली कौन देगा, श्योरिटी देगा, किसको देगा, क्रेडिटर को देगा कि भैया जो मैंने गारंटी दे रखी थी उसको मैं वापस लेता हूँ, अब मैं आगे से जिम्मेवार नहीं हूँ। तो उसके बाद अगर कोई भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसके लिए जिम्मेवार है, नहीं। जिस दिन उसने नोटिस दिया उस पीरियड तक में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रखी होगी तो क्या उसके लिए वो जिम्मेवार होगा, बिल्कुल होगा, उसकी गारंटी मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। तो क्या कह रहा था, कॉन्टिन्यू गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रिएटर। स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट एक्रूड। सपोज करो स्पेसिफिक गारंटी दी, स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है सिंगल ट्रांजेक्शन की, तो क्या उसको वो रिवोक कर सकता है, कर सकता है। कब कर सकता है, जब तक कि मैंने वो ट्रांजेक्शन ना कर लियो, जब तक कि उसका डेटर की लाइबिलिटी अराइज ना हो गई हो, उससे पहले तक वो मुझे नोटिस दे के उसको रिवोक कर सकता है। एक बार लाइबिलिटी अराइज हो गई तो डेटर की लाइबिलिटी ही क्या मानी जाएगी, श्योरिटी की लाइबिलिटी, फिर वो उसको रिवोक नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज डिस्काउंटिंग एट एज रिक्वेस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर सी गारंटीज टू बी फॉर 12 मंथ द ड्यू पेमेंट ऑफ ऑल सच बिल टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज, बी डिस्काउंट बिल फॉर सी टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 रुपीज आफ्टर वेट एट द एंड ऑफ 3 मंथ ए ने रिवोक कर लिया गारंटी को, द रिवोकेशन डिस्चार्ज ए फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू बी फॉर एनी सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट डिस्काउंट बट ए इज लाइबल फॉर 20,000 रुपीज ऑन डिफॉल्ट ऑफ सी। जो बी सर का उसने डिस्काउंट वाला काम कर लिया था 12 महीने के लिए, उसके ऊपर लाइबल है, लेकिन 3 महीने के बाद जब उसने रिवोक कर लिया तो उसके बाद की अगर कोई डिस्काउंटिंग वगैरह कराएगा तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। सिंपल सा पॉइंट था, ए गारंटी टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज एंड देन शी पे ऑल द बिल्स दैट बी शैल शैल ड्रॉ अपॉन हिम, बी ड्रॉ अपॉन सी, सी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, ए ने रिवोकेशन का नोटिस दे दिया, सी ने डिसऑनर कर दिया, तो क्या ए लायबल होगा, बिल्कुल लायबल होगा। आगे एक्स गिव्स गारंटी टू द एक्सटेंड ऑफ 50,000 फॉर द लोन्स गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ए टू बी, ए ने लोन दिया 10,000 रुपए का, आफ्टरवर्ड एक्स ने नोटिस देकर उसको रिवोक कर ली, एक्स डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटी टू ए फॉर एनी लोन ग्रांटेड आफ्टर रिवोकेशन, उसके बाद कोई रिवोकेशन के बाद अगर कोई लोन देगा तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है, बट ही इज लाइबल टू ए फॉर ₹10,000 ऑन डिफॉल्ट ऑफ बी। ये बेसिकली सिंपल सा पॉइंट था कि भैया अगर रिवोक किया जा सकता है, रिवोकेशन से पहले की अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो उसके लिए वो लाइबल है, रिवोकेशन के बाद की कोई लाइबिलिटी होगी तो उसके लिए हमारा लाइबल श्योरिटी नहीं होता। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ, श्योरिटी की ही डेथ होगी, बात ही खत्म, ठीक है ना। अगेन लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, अनलेस अनलेस मतलब श्योरिटी की डेथ हो गई तो आपकी गारंटी जो होगी वो तो रिवोक हो गई होगी, लेकिन अगर कुछ पुराना पैसा चल रहा होगा तो वो श्योरिटी के स्टेट से भी रिकवर किया जाएगा। अगर कुछ पुराना था जो मुझे रिकवर करना था उसकी डेथ होगी तो ऐसा नहीं कि वो उधारी बच जाएगी, वो उसके स्टेट से रिकवर किया जाएगा। हाँ, उसके बाद का अगर कुछ होगा तो वो आपका रिवोक हो चुका है, बेसिकली रिवोक माना जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट एज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, डेथ हो गई वो ऐसा माना जाएगा कि रिवोकेशन है, एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ श्योरिटी, हाउएवर द श्योरिटी स्टेट रिमेन लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन, अगर पहले की कोई ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए श्योरिटी का स्टेट लायबल है, विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द डेथ ऑफ द श्योरिटी, डेथ से पहले की ट्रांजेक्शन। बाय नोवेशन, नोवेशन से भी रिवोकेशन माना जाएगा, नोवेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भैया पुराने वाले गारंटी को उसने नया कर लिया, पुराने गारंटी को तोड़ के एक नया गारंटी बना लिया, तो जो पुराना गारंटी है वो क्या माना जाएगा, रिवोक्ड, ठीक है। तो नोवेशन वर्ड भी आपने पढ़ा हुआ है, पुराना पहले पढ़ रखा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। द श्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, एक नया कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर हो गया तो श्योरिटी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो क्या माना जाएगा कि वो खत्म हो गया, इनटू ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द अदर पार्टीज द कंसिडरेशन बींग द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कंसिडरेशन है बेसिकली क्या है, म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको म्यूचुअली इन्होंने एग्री करके डिस्चार्ज किया है।
बाय द कंडक्ट ऑफ क्रिएटर दूसरा पॉइंट आया था, तीसरा पॉइंट इनवैलिडेशन का आएगा। तो कंडक्ट ऑफ क्रिएटर बेसिकली क्या हुआ, तो क्रिएटर ने कुछ ऐसी हरकत करी है जिससे कि हमारा श्योरिटी बेचारा बच जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ये 133 सेक्शन, मतलब ऐसा समझ लो कि पूरे चैप्टर का सबसे जो मेन है सेक्शन वो ये है, जो मेन एरिया वो ये है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर पूरे सेक्शन में से 10 बार में से 9 बार सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। सेक्शन 133 बेसिकली क्या है कि सपोज करो श्योरिटी है, श्योरिटी को हमने कंटेनिंग गारंटी, सॉरी श्योरिटी से गारंटी ले ली, मैं और आप काम कर रहे हैं, हमने आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज कर दिए, कुछ भी और आपस में कुछ बदलाव कर दिया, कुछ भी चेंजेस ले आए उसके बारे में श्योरिटी को नहीं बताया, और बाद में आप डिफॉल्ट कर जाते हो, प्रिंसिपल डेटा जो है हमारा डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्या उसके लिए श्योरिटी लायबल होगा? नहीं होगा। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी वेरियंस कर दिया जिसके बारे में श्योरिटी को नहीं बताया, तो उस केस में बशर्ते वो जो हमारा होना चाहिए वो उसकी नॉलेज में अगर नहीं है, बिल्कुल भी उसके नॉलेज में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज माना जाएगा। देखिए जरा, बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 133, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है देखने को मिलेंगे। वेयर देयर इज एनी वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रिएटर विदाउट श्योरिटी कंसेंट, बिना उससे पूछे हुए, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरियंस। वेरियंस के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए वो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका, ए एग्जाम्पल सेम टू सेम आपको देखेंगे नीचे सवालों में, एक बार ध्यान से देखना। ए बिकम श्योरिटी टू सी फॉर बीज कंडक्ट एज अ मैनेजर इन सीज बैंक आफ्टर वर्ड बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एज कंसेंट, विदाउट एज कंसेंट जो कि हमारा श्योरिटी, दैट बी सैलरी शैल बी रेज्ड एंड दैट शैल बी बिकम लाइबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉस ऑन द ओवरड्राफ्ट। कह रहा जी भैया आप जो हो वो लाइबल हो गए, जो भी आप ओवरड्राफ्ट हो गए उसके 1/4 अगर लॉस होता है तो उसका 1/4 आपसे रिकवर किया जाएगा। बी अलाउ अ कस्टमर टू ऑर्डर, बी ने अलाउ कर दिया, बैंक को लॉस भी हो गया। ए डिस्चार्ज फ्रॉम दी इज श्योरिटी शिप बाय द वेरियंस मेड विदाउट हिज कंसेंट, ये जो है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो श्योरिटी शिप से क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वेरियंस कर दिया है। एंड इज नॉट लाइबल टू मेक गुड दिस लॉस, अगर उस लॉस को उससे रिकवर नहीं कर पाते तो उसको गुड करने के लिए वो लाइबल नहीं है। नाउ ए गारंटी सी अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ बी इज इन एन ऑफिस टू विच बी इज अपॉइंटेड, ऑब्वियस द ड्यूटीज डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बाय सब्सिक्वेंट एक्ट द नेचर ऑफ द ऑफिस इज मटेरियली अल्टर्ड, आफ्टरवर्ड बी मिसकंडक्ट हिमसेल्फ, ए इज डिस्चार्ज बाय द चेंज फ्रॉम द फ्यूचर लाइबिलिटी अंडर दिस गारंटी, दो द मिसकंडक्ट ऑफ बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेटर एक्ट। मतलब क्या कह रहे हैं कि कुछ मिसकंडक्ट के बारे में उसने गारंटी दी थी कि वो कुछ मिसकंडक्ट करेगा उससे कोई लॉस होगा तो उसको वो श्योरिटी भरेगा, पर वो जिस एक्ट के तहत उसने दी थी मिसकंडक्ट उस एक्ट के अंदर चेंज आ गया और उन्होंने उस मिसकंडक्ट को या नेचर ऑफ जो ऑफिस जो था उसको ही चेंज कर दिया, तो उसके बाद अगर कुछ ऐसा हरकत करता जो कि उस बाद वाले एक्ट में कवर ही नहीं है तो उस गारंटी का उससे कोई श्योरिटी वाले को लेना देना नहीं है क्योंकि वो बाद वाले एक्ट के अंदर वो बातें वो अफेक्ट नहीं करती। सी एग्रीज टू अपॉइंट बी एज अ क्लर्क टू सेल गुड्स ऑन अ ईयरली सैलरी अपॉन बिकमिंग द अपॉन ए इज बिकमिंग श्योरिटी टू सी फॉर बी इज ड्यूली अकाउंटिंग फॉर मनी इज रिसीव बाई हिम एज सच क्लर्क आफ्टरवर्ड विदाउट द एज नॉलेज ऑफ कंसेंट सी एंड बी, मतलब बिना श्योरिटी की कंसेंट के सी और बी आपस में एग्री करते हैं दैट बी शुड पेड बाय अ कमीशन ऑन द गुड सोल्ड बाय हिम एंड नॉट फिक्स बाय अ सैलरी, बी को क्या मिलेगा, सामान बेचने के ऊपर कमीशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, तो ए को इस बारे में नहीं पता, अगर कुछ मिसकंडक्ट होगा तो ए उसके लिए लाइबल नहीं है। अगेन आपने कुछ चेंज किया अपने वेरियंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगला एग्जाम्पल, ए गिव्स टू सी अ कंटेनिंग गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 3 लाख फॉर द ऑयल सप्लाइड बाय बी सी टू बी ऑन क्रेडिट, जो उसको उधार पे ऑयल सप्लाई करेगा उसके लिए उसे 3 लाख तक की गारंटी दे दी। आफ्टर दैट बी बिकम एम्बेरेस्ड एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि शी शैल कंटिन्यू टू सप्लाई बी विद ऑयल फॉर रेडी मनी, फॉर रेडी मनी पहले क्या कह रहा उधार पे दे रहा था, अब ये क्या कहने लगा कि भैया पैसे तैयार रखो तो मैं सप्लाई करने लगा हुआ, एंड देन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू द एग्जिस्टिंग डेट्स बिटवीन बी एंड सी, कुछ आपस का उनका कोई पुरानी उधारी था उसमें वो कह रहा है कि पेमेंट को हम अप्लाई कर लेंगे, मतलब कुछ भी उन्होंने आपस में वेरियंस कर दिया, ठीक है कोई भी चेंजेस ले आए। इज नॉट लाइबल ऑन हिज गारंटी फॉर एनी गुड सप्लाई आफ्टर द न्यू अरेंजमेंट, जो भी उसने नया अरेंजमेंट कर लिया उसके बाद की किसी भी चीज के लिए जो हमारा श्योरिटी है वो लाइबल नहीं है। सी कॉन्ट्रैक्ट टू लेंड 5 लाख ऑन 1st March, ए गारंटी रिपेमेंट, सी पेज 5 लाख टू बी ऑन 1st January, ए डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वेरिड इन एज मच एज सी माइट सू बी फॉर द मनी बिफोर द 1st March, ठीक है जी, उसने 1st March के लिए बेसिकली कहा था और यहाँ पे डेट आपकी वेरी कर गई तो उस केस में हमारा वो जो हो गया वो हमारा डिस्चार्ज माना जाएगा। वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटेंशियल और मटेरियल और विच इज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्जिंग फ्रॉम लाइबिलिटी, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज आई कि सपोज करो दो लोगों ने, हम दोनों ने कुछ ऐसी वेरिएशन किया जिससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है,
नंबर वन, ये अगर लेना देना भी तो उसमें कुछ ना कुछ इसका फायदा है। सपोज करो कि उसने गारंटी दी थी 50,000 रुपए की, हमने आपस में ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया सिर्फ 10,000 रुपए का, तो उससे उसका कुछ जा रहा है क्या? नहीं, उसके लिए बेनिफिशियल ही है कि अगर कोई को नुकसान होगा तो सिर्फ 10,000 का नुकसान होगा। तो ऐसी अगर कोई हम मॉडिफिकेशन करते हैं, वेरियंस करते हैं जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा या फिर उसके फायदे के लिए ही है, तो उस केस में वो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। देखिए जरा ये केस स्टडी आपकी, द श्योरिटी गारंटीड द रिपेमेंट ऑफ लोन प्रोवाइड बाय द बैंक टू द प्रिंसिपल डेटर ऑफ ओनली अप टू 25,000। सब्सिक्वेंटली सिंस द बैंक वाज विलिंग टू प्रोवाइड लोन ओनली 20,000, 25,000 का उसने वादा किया था, उसने उसको गारंटी दी थी, लेकिन वो कह रहा है जी 20,000 ही लोन दे सकते, द प्रिंसिपल डेटर रिड्यूस द अमाउंट टू 20,000 इन द गारंटी फॉर्म एंड विदाउट इंटीमेशन टू द श्योरिटी गिव इट टू द बैंक विच वॉज accepted on default by the principal debtor, the court held that surety liability was not discharged as the alteration was beneficial to him. हमने आपस में चेंज कर लिया, उसने उसको 25 का 20 बना दिया, लेकिन वो उसके बेनिफिशियल के लिए, तो इसलिए वहां पर वो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर मतलब क्या हुआ कि द श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या कर रहा है, प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई नया एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, कोई नया एग्रीमेंट कर ले, या फिर जो उसने एग्रीमेंट कर रखा है उसके अंदर कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी छूट, कुछ मिस हो गया, कुछ ऑमिट हो गया, कुछ गलतियां हो गई जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से जो डेटर है वो हमारा डिस्चार्ज हो गया। अगर डेटर ही डिस्चार्ज हो गया तो ऑब्वियसली बात है श्योरिटी तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो ही जाएगा। देखो जरा, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर सेक्शन 134 है, 133 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 134 देखो, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर एंटर इनटू फ्रेश एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। ठीक है जी, मतलब प्रिंसिपल डेटर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट था उससे वो रिलीज कर दिया गया, तो रिलीज कर दिया गया तो अपने सी बात है श्योरिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये ऊपर से रिलेटेड ही है, अल्टरेशन किया गया, वेरियंस किया गया। डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, कुछ भी क्रेडिटर ने ऐसा किया, ये दोनों काम कौन कर रहा है, क्रेडिटर। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट और ओमिशन, कुछ भी एक्ट या ओमिशन किसने किया, क्रेडिटर ने किया, जिससे कि जो मेरा प्रिंसिपल डेटर था वही डिस्चार्ज हो गया, तो अगर वही डिस्चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है श्योरिटी भी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड हाउस फॉर बी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, बी सप्लाई द नेसेसरी टिम्बर, सी गारंटीज ए परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी ओमिट टू सप्लाई द टिम्बर, सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी। बेसिकली क्या कह गया, सिंपल से एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो मैं क्रेडिटर हूं, मुझे आपको टिम्बर देना था तब आप मेरे लिए घर बना के देते, ठीक है, और इसकी गारंटी ली थी कि श्योरिटी ने कि भैया आप घर बहुत सही से बनाते दोगे, मैंने टिम्बर सप्लाई नहीं किया, जब मैंने टिम्बर सप्लाई नहीं किया तो कुछ भी मैंने ऐसा किया जिससे कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई नहीं, जब आप पे लाइबिलिटी नहीं आई तो क्या श्योरिटी पे कोई लाइबिलिटी आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं डिफॉल्ट जो किसका है, क्रेडिटर का है। नाउ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव टाइम टू और एग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगेन कुछ ऐसा जो मैंने क्रेडिटर और डेटर ने आपस में खेल लिया, श्योरिटी को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, श्योरिटी क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। तीन पॉइंट इन्होंने बताए हैं, नंबर वन बताया है कंपाउंड विद मतलब कंपोजिशन का, गिव टाइम टू टाइम दे दिया मैंने आपको, और तीसरा क्या है, आपसे एग्री कर लिया कि मैं आपको सू नहीं करूंगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं करूंगा, आपसे सेटलमेंट कर ली कुछ भी, आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, तो जो मेरा वो श्योरिटी है वो भी क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। तीन सिचुएशन आई है, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा जहां पे एक होता है एग्री नॉट टू सू और एक आएगा फॉर बियर टू सू, दोनों में फर्क है, फॉर बियर टू सू अगर है तो उसके इसमें श्योरिटी फंसा हुआ रहेगा, बट एग्री नॉट टू सू है तो श्योरिटी जो है हमारा वो बच जाएगा। इसको देखो जरा भी दिखेगा, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद और प्रॉमिस टू गिव टाइम और प्रॉमिस नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी अनलेस द श्योरिटी असेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा अनलेस की श्योरिटी खुद ही कह दे जी कोई दिक्कत नहीं चलेगा मेरे को भी, ठीक। पहला कंपोजिशन का मतलब क्या, कंपोजिशन का बेसिकली मतलब क्या, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज लेके आना उसको बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके लेके आ गए तो वो क्या माना जाएगा, कंपोजिशन कहलाता है। इफ द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद अ प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी द लेटर इज डिस्चार्ज, मतलब वो हमारा डिस्चार्ज माना जाएगा। कंपोजिशन इनएविटेबली इन्वॉल्व्स वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर क्या किया गया, कुछ ना कुछ वेरिएशन किया गया एंड देयरफॉर द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, श्योरिटी क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज। कंपोजिशन सिंपल पॉइंट, प्रॉमिस टू गिव टाइम क्या है इसका मतलब, व्हेन द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द गारंटी
डिड डेट्स कम द श्योरिटी हैज राइट टू रिक्वायर द प्रिंसिपल लेटर टू पे ऑफ द डेट। बेसिकली क्या है, जब पेमेंट की टाइम आएगी तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपसे कहूंगा कि भैया मेरी पेमेंट की डेट आ गई, पैसे दो। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको टाइम दे दिया। एंड अकॉर्डिंगली इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ क्रेडिटर टुवर्ड्स द श्योरिटी नॉट अलाउ द प्रिंसिपल डेटर मोर टाइम फॉर पेमेंट। मैं आपको कोई टाइम अलाउ नहीं करूंगा, मैं तो आपसे कहूंगा जी पेमेंट का टाइम आ गया, पेमेंट दो। और अगर मैंने आपको टाइम अलाउ कर दिया, प्रॉमिस कर दिया जी चलो जी टाइम दिया तुम्हें, और तो अगर तुम्हें मैंने और टाइम दे दिया तो उस केस में श्योरिटी क्या माना जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज माना जाएगा। मुझे आपको टाइम नहीं देना, कहने का मतलब यह है कि जो क्रेडिटर है वो डेटर को और टाइम नहीं दे सकता। अगर उसका डिफॉल्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है टाइम लोगे फिर तो टाइम देते रहो, जरूरत करे गारंटी की। तो मुद्दा क्या है कि जब टाइम हो गया आपसे पेमेंट लेनी है, अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो मेरे को श्योरिटी दे देगा, फिर श्योरिटी आपसे लेगा, तो ये चीज चलेगी ना पोजिशन। अगर ये चीज आप ही टाइम देते रहोगे तो श्योरिटी की जरूरत नहीं है फिर वो, ठीक है। नाउ प्रॉमिस नॉट टू सू, प्रॉमिस नॉट टू सू का मतलब क्या है, जब मैं आपको ये कह दूं कि भैया मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, तुमने पैसे नहीं दे मत दो कोई बात नहीं, मैं तुम पे केस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये बताना नहीं है मुझे। अगर मैं कह देता हूँ प्रॉमिस नॉट टू सू तो मेरा क्रेडिटर जो है, सॉरी जो श्योरिटी है वो क्या माना जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। तो क्या कह रहा है, इफ द क्रेडिटर अंडर एन एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल लेटर प्रॉमिस नॉट टू सी हिम द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, ठीक है। प्रॉमिस नॉट टू सी हिम, श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। द मेन रीजन इज दैट द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल लेटर टू पे ऑफ द डेट व्हेन इट इज ड्यू एंड इज द राइट इज पॉजिटिवली वायलेटेड व्हेन द क्रेडिटर प्रॉमिस नॉट टू सी द डेटर। ये जो राइट है ये क्या हो गया हमारा, वायलेट हो गया, जैसे क्रेडिटर ने कह दिया कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा। दिस इज हाउएवर सब्जेक्ट टू टू इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, इन फर्स्ट प्लेस द प्रॉमिस नॉट टू सू शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेयर फॉर बेयरेंस टू सू। ये अभी और नीचे आएगा, फोर बेरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैंने टाइम दिया कि 6 महीने तक केस नहीं करूंगा, वो चलेगा। अगर ऐसा कहा है तो वो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा अपॉन श्योरिटी, बट अगर मैंने नॉट टू सू कहा है तो आपका श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा। अ प्रॉमिस नॉट टू सी इन एज एंगेजमेंट विच टाइज द हैंड ऑफ द क्रेडिटर, इट इज नॉट नेगेटिवली रिफ्लेनिंग नॉट इनएक्टिंग द मनी एट द टाइम, बट इट इज द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर डिप्राइविंग हिमसेल्फ द पावर ऑफ स्विंग। सेक्शन 137 इनकॉर्पोरेट्स दिस प्रिंसिपल। बेसिकली वही है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको वायलेट कर रहे हो जो आपकी गारंटी के बेसिक रूल्स हैं, और अगर आप वायलेट कर रहे हो तो हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा, आप जो मर्जी करो आपस में, आपकी दिक्कत है वो। अच्छा, केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, तो ऊपर की बात से दो बात निकल गई जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। पहला, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू कीप टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अभी ऊपर क्या आया था कि टाइम देने की बात, मैंने आपको कहा टाइम देने के लिए, मैंने आपकी पेमेंट की डेट आ गई, मैंने आपको टाइम दे दिया जी 6 महीने के बाद पैसे दे देना, तो माना जाएगा श्योरिटी वायलेट कर रहा है, आपकी श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आपको मैंने किसी और से टाइम दिलवा दिया, आपको मुझे भी पेमेंट देनी थी, किसी और को पेमेंट देनी थी, मैंने आपको किसी और से टाइम दिलवा दिया, किसी भी तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी की अरेंजमेंट मैंने पॉसिबल करवाई है, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। मैंने पर्सनली आपको टाइम दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा, बट मैंने अगर थर्ड पार्टी से अरेंजमेंट करवाई है तो उस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। समझो जरा, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाई क्रेडिटर विद थर्ड पर्सन नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। एग्जाम्पल, सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाई ए एज अ श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाई बी कॉन्ट्रैक्टेड विद एम टू गिव टाइम टू बी। ठीक है जी, एम से कह दिया कि तुम टाइम दे दो, तो उस केस में ए जो है हमारा वो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। और दूसरा, क्रेडिटर्स फोर बेरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, जो ऊपर पॉइंट आया था वहां था कि डज नॉट सू, पर फोरबेरेंस टू सू अगर होगा तो हमारा श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं माना जाता। सेक्शन 137 की बात कर रहा है। मेयर फोरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द गारंटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज द श्योरिटी। बी ओज टू सी अ डेट गारंटेड बाय ए, द डेट बिकम्स पेबल टू सी, सी डज नॉट सू बी फॉर 1 ईयर, दैट इज फोरबेरेंस, कुछ पीरियड के लिए आपको माफ कर दिया। After the debt has become payable, A is not discharged from the surety ship. तो A वहाँ पे surety ship से आपका discharge नहीं माना जाएगा, जहाँ आपको कुछ time की relief दी गई, that is forbearance. एक होता है case ही नहीं करेंगे, वो आपका गलत है। Now, discharge of surety by creditors act omission impairing sureties eventually remedy. Again वही चीज है कि creditor ने कुछ ऐसा act या omission किया जिसके वजह से हमारा surety जो है वो क्या माना गया, surety को basically क्या हो गया, eventually फायदा मिल गया उससे, ठीक है। तो इफ द क्रेडिटर डज नॉट एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट विच इज ड्यूटी ऑफ द श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, जिसको कि क्रेडिटर को करना था श्योरिटी
कि बेसिकली राइट के अंदर था कि भैया क्रिएटर को ये वाले काम करने हैं, एंड इवेंचुअली रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल दैट इज देयर बाय इंपेयर्ड द श्योरिटी इज डिस्चार्ज. इट इज द प्लेन ड्यूटी ऑफ द क्रिएटर नॉट टू डू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी. श्योरिटी की जो राइट है उसके इनकंसिस्टेंट वे में आपको कुछ भी नहीं करना, इसको क्रिएटर को कुछ भी नहीं करना. अगर वो कुछ भी ऐसा करेगा जो कि बेसिकली आपके राइट के अगेंस्ट जा रहा है, श्योरिटी के राइट के अगेंस्ट, या कह लो कहीं ना कहीं जो आपका एग्रीमेंट फ्रेम हुआ उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो आपका उसको रिलीव कर देगा. अ श्योरिटी इज एंटाइटल आफ्टर पेइंग ऑफ द क्रिएटर टू हिज इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. इफ क्रिएटर एक्ट और ओमिशन डिप्राइव द श्योरिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस रेमेडी द श्योरिटी इज डिस्चार्ज. मतलब क्या हुआ कि बेसिकली रूल क्या है कि क्रिएटर को पेमेंट देगा श्योरिटी, और श्योरिटी किससे लेगा, प्रिंसिपल डेटर से लेगा. बट क्रिएटर ने कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे कि वो पेमेंट करने के बाद वो डेटर से रिकवर नहीं कर सकता, तो उस केस में वो पेमेंट ही नहीं करेगा, बेसिकली वो डिस्चार्ज माना जाएगा. कौन? श्योरिटी. इन द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बैंक ग्रांटेड अ लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक इन द गोडाउन. द लोन वॉज ऑल्सो गारंटेड बाई द श्योरिटी. द गुड वॉज लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द बैंक ऑफिशियल. बैंक ऑफिशियल बोल दो क्रेडिटर, मेरी गलती की वजह से ही वो गुड्स की चोरी होगी, तो क्या श्योरिटी पैसे देगा? नहीं जी, श्योरिटी भी डिस्चार्ज माना जाएगा. द श्योरिटी वॉज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सो लॉस्ट. सिंपल सी बात थी. आगे, बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ शिप फॉर सी फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीचेस सर्टेन स्टेजेस. बेसिकली क्या हुआ कि मैंने मतलब एक गारंटी हुई है, मैंने आपको कहा जी मेरे शिप बनानी है और आप जितना जितना काम करते जाओगे मैं उस अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देता जाऊंगा. अब क्या होगा कि आपने थोड़ा काम किया था, पूरा काम नहीं किया था, मैंने आपको पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है, और अब आप काम नहीं कर रहे हो या किसी भी तरीके से उस काम को आपने पूरा नहीं किया, ठीक है, तो क्या मैं श्योरिटी से पैसे ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आपने अगेन एग्रीमेंट के अगेंस्ट काम कर दिया. एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जितना जितना काम होगा उतनी उतनी पेमेंट होगी, आपने पूरी पेमेंट कर दी, किसने काम करने को, ठीक है ना, इसके लिए क्या श्योरिटी लायबल है? नहीं. तो ए बिकम श्योरिटी टू सी फॉर द बीज ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए प्रीपेड टू बी द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट. पहले उसने पेमेंट कर दी तो ए क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम दिस प्री पेमेंट. ए से उसको कोई लेना देना नहीं. ए पुट्स एम एन अप्रेंटिस. अप्रेंटिस बेसिकली क्या, जो हेल्पर टाइप के होते हैं, जैसे स्टाइपेंड वे में हम जो रखते हैं असिस्टेंट, टू बी एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर एम्स फिडिलिटी. उसकी ईमानदारी की उसने गारंटी दे दी. बी प्रॉमिस ऑन हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी दैट एम मेक अप द कैश. बी ओमिट टू सी दिस देन एज प्रॉमिस्ड एंड एम एम्बेजल. तो ए लायबल नहीं होगा. बेसिकली क्या हुआ कि आपने सपोज मेरे यहाँ ज्वाइन किया और उसने मुझे गारंटी दी थी कि भैया आप कोई गलती नहीं करोगे, आप बिल्कुल ईमानदार अच्छे बंदे हो, ठीक है. अब मैंने साथ में ये भी कहा था कि आप जो भी काम करोगे, आपके अगर कैश का काम मैंने आपको दिया तो जो काम करोगे उसको हर महीने में मैं एक बार चेक करूंगा. मैंने चेक नहीं किया कई महीने तक, तो चेक महीने नहीं किया तो क्या मैंने अपनी परफॉर्मेंस की है जो एज पर दी एग्रीमेंट थी? नहीं. अब कल को आप उसके अंदर से कुछ भी अगर धोखाधड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या श्योरिटी लायबल होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मेरी वहां पे क्या है? नेग्लिजेंस है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट को कवर करता है जहां पे क्रेडिटर की कमी होती है, कोई भी एक्ट या ओमिशन ऐसा होता है जिससे कि श्योरिटी को कहीं ना कहीं इवेंचुअली क्या मिल जाती है? रेमेडी मिल जाती है डिस्चार्ज होने की. नाउ नेक्स्ट आता है आपका बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो इनवैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी किसी तरीके से क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. इनवैलिड कब कब हो जाएगा तो उसको लेके कुछ बातें हैं. नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड. मतलब जो मैंने ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये कैसे लिया है? मिसरिप्रेजेंटेशन. मैंने कुछ ना कुछ उसको मटेरियल पार्ट का कोई भी ऐसी चीजें थी जो मैंने उसको नहीं बताई. किसको नहीं बताई? ऊपर बात आई थी ना कि कोई भी काम की चीजें थी जो मैंने श्योरिटी को नहीं बताया जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट था. तो उस केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? नहीं. कोई चीज मुझे पता थी मैंने छुपाई. एक होता है मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि मुझे गलत पता थी और मैंने उसको वही गलत चीज बता दी सही मानते हुए, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. तो उस केस में वो इनवैलिड है. बट कोई चीज मुझे पता थी मैंने फिर भी उसको छुपाई, उसको नहीं बताया या मैं चुप रहा, तो उस केस में भी क्या माना जाएगा? वो इनवैलिड माना जाएगा. तो दैट इज इनवैलिडेशन. तो क्या कह रहा है? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रिएटर और विद हिज नॉलेज और असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो इनवैलिड हो जाएगा. गारंटी ऑब्टेन्ड बाय द कंसीलमेंट, वो भी इनवैलिड है. एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी गारंटी विच द क्रिएटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टेंसेस, तो इनवैलिड. ये दोनों पॉइंट आपके ऊपर भी आ चुके थे बट ये बस पॉइंट वाइज आ गया, मतलब एक हेडिंग वाइज. एग्जाम्पल देखो आपका वही जो हमने पीछे पढ़ा था, एग्जाम्पल भी आपको याद आएगा. ए ने एंगेज किया बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम. बी फेल्स टू अकाउंट ऑफ सम ऑफ हिज रिसिप्ट और ए कॉन्सिक्वेंसेस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी ऑफ हिज ड्यूली अकाउंटिंग. सी ने गारंटी दे दी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग. ए डज नॉट एक्वेंट सी विद बीज प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट. ए ने उसको नहीं बताया कि इसने पीछे भी कुछ ना कुछ गलती कर रखी है.
तो अगर वो डिफॉल्ट करता है तो क्या वो गारंटी वैलिड है? नहीं जी, गारंटी वैलिड नहीं है। ए गारंटी टू सी पेमेंट ऑफ आयरन टू बी सप्लाइड बाई हिम टू बी फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख ये टन नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑब्वियस सी बात है, रुपीज लग गया तो ऊपर क्वांटिटी नहीं लगेगी। बी एंड सी में प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे 5 रुपीज पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, सच एक्सेस टू बी अप्लाइड ऑन द लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड डेट, दिस एग्रीमेंट कंसील्ड फ्रॉम ए। अगेन कुछ आपने छुपाया तो ये भी आपकी श्योरिटी क्या माना जाएगा, उसके लिए लायबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उसने 2 लाख रुपए रखी गारंटी दे दी थी, आपने क्या किया आपस में कुछ एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कि वो आपको मार्केट प्राइस से 5 रुपए ज्यादा दे रहा है, और वो 5 रुपए ज्यादा दे रहा है कोई आपकी आपस की कोई उधारी थी पुरानी जिसके बारे में उसको नहीं पता, उससे वो एडजस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ भी आप ऐसा लिख कर रहे हो जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसा एग्री कर लिया जिसके बारे में आपने उसको नहीं बताया, मतलब कोई चीज पता थी आपने उस चीज को छुपाई है, तो उसके अंदर भी वो क्या माना जाएगा, लायबल नहीं होगा। देन गारंटी ऑन अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अंटिल द को श्योरिटी ज्वाइन। ये पॉइंट भी आपको ऊपर आगे 144 वाला कि जब को श्योरिटी की बात होगी और दूसरा श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो आपका कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा और वो भी आपका इनवैलिड रहेगा, बिकॉज कि दूसरे वाले जो को श्योरिटी था उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ठीक, देन आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट्स ऑफ श्योरिटी में क्या है, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर और राइट्स अगेंस्ट द को श्योरिटी, ये लास्ट एरिया आपका क्या क्या राइट है। तो अगेंस्ट डेटर की बात करें तो राइट ऑफ सबरोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। अगला क्रिएटर की बात करें तो राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सेट ऑफ और राइट टू शेयर रिडक्शन, और अगर को श्योरिटी की बात करें तो राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन। या राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही लिखा है, एक पॉइंट और है, मतलब बेसिकली 2 पॉइंट है इसके अंदर भी, वो दिख जाएगा नीचे पिक्चर में कुछ गलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पिक्चर आपका वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर आता है, तो राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट आएगा श्योरिटी का। तो श्योरिटी ने जैसे ही पेमेंट कर दी क्रेडिटर को मुझे, तो जैसे ही उसने मुझे पेमेंट कर दी तो बेसिकली उसको वो सारे राइट मिल जाएंगे जो किसके थे, क्रेडिटर के थे। क्रेडिटर के अगेंस्ट डेटर कुछ राइट थे, वो सारे राइट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, श्योरिटी को। तो इसे बोलते हैं राइट्स ऑफ सबरोगेशन। तो मेरा गारंटी डेट हैज बीन बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटेड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, द श्योरिटी अपॉन द पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल फॉर इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट व्हिच द क्रेडिटर हैड, जो क्रेडिटर के पास था अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, डेटर के अगेंस्ट जो भी राइट था। दिस राइट इज नोन एट राइट ऑफ सबरोगेशन, इट मीन्स दैट ऑन पेमेंट ऑफ द गारंटेड डेट, जैसी जो भी उसकी पेमेंट थी, जो भी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्म ऑफ द गारंटेड ड्यूटी, द श्योरिटी स्टेप्स इन टू द शूज ऑफ द क्रिएटर्स को बोलते हैं कि जो क्रिएटर के शूज में था वो कौन स्टेप कर गया, कौन उसमें समा गया, श्योरिटी समा गया। मतलब श्योरिटी जो है वो एज अ क्रिएटर काम करेगा उस प्रिंसिपल डेटर के लिए। देन इंप्लाइड परफॉर्मेंस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, मतलब क्या हुआ, इंप्लाइड परफॉर्मेंस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी मतलब बेसिकली इंप्लाइड आपका क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है किसका, श्योरिटी का और डेटर का, कि भैया जो भी इंडेमनिफाई करेगा श्योरिटी उस सारे को वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है डेटर से। लेकिन इसके तरीके जो काम की पॉइंट है वो क्या है कि अगर उसने कुछ ऐसा इंडेमनिफाई कर दिया जो कि था ही नहीं, सपोज करो मुझे डेटर से लेने थे सिर्फ 50,000 रुपए, ठीक है, और उसने गारंटी दे रखी थी 60,000 रुपए की, उसने 60,000 की गारंटी दे रखी थी इसलिए उसने मुझे 60,000 रुपए पे कर दिए, किसने, श्योरिटी ने, किसको, क्रेडिटर को 60,000 रुपए कर दिए। तो क्या 60,000 की गारंटी थी, हाँ, लेकिन क्या उधारी 60,000 की थी, नहीं। जब डेटर की उधारी ही कितने की थी, 50,000 रुपए की, तो अगर श्योरिटी ने मुझे 60 दे दिया तो क्या श्योरिटी उस डेटर से 60,000 रुपए ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, कितना ले पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। तो मतलब क्या हुआ कि जितना भी वो इंडेमनिफाई करेगा वो उससे रिकवर कर सकता है, किससे, डेटर से, बट अगर कुछ उसने गलती से ज्यादा पे कर दिया या कुछ और गलती कर दी तो उसके लिए डेटर हमारा लायबल नहीं होता। क्या कह रहा है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। इंप्लाइड प्रॉमिस होता है जी कि श्योरिटी को इंडेमनिफाई किया जाएगा। द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर व्हाट एवर सम ही इज राइटफुली पेड, जो भी उसने राइटफुली पे किया अंडर द गारंटी, बट नॉट द सम व्हिच ही पेड रॉन्गफुली। कोई भी ऐसा पैसा जो उसने रॉन्गफुली दिया तो उसके लिए एंटाइटल नहीं है। एग्जांपल देख लो, बी इज एंटाइटल टू सी एंड ए श्योरिटी ऑफ डेट, सी डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम ए ऑन हिज रिफ्यूजल सूस हिम फॉर द अमाउंट, ए डिफेंड द सूट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ डेट विद कॉस्ट, ही कैन रिकवर फ्रॉम बी द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर कॉस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल डेट। देखो जी, 2 पॉइंट समझो, दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस आने वाला है। एक पहला एग्जांपल है जहां पे केस डिफेंड किया जाएगा और हैविंग द रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो, कुछ रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है, मतलब
क्रेडिटर पैसे रिकवर कर रहा है और जो श्योरिटी है वो उसको डिफेंड कर रहा है, केस को डिफेंड कर रहा है, कुछ भी रीजनेबल ग्राउंड होगा, कुछ भी आपस में कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि नहीं दूंगा, इतने नहीं दूंगा, कम दूंगा वगैरह वगैरह, कुछ भी कर रहा है और उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड है, तो रीजनेबल ग्राउंड है और स्टिल वो केस हार गया। तो स्टिल अगर वो केस हार गया तो श्योरिटी को मुझे क्या देना पड़ा, श्योरिटी को मुझे पहले डेट देने पड़े और साथ में उसने केस लड़ने के लिए कुछ खर्चे किए, तो वो दोनों पैसे वो उस डेटर से रिकवर कर सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है, वहां पे सेम एग्जांपल चल रहा है, बट नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो डिफेंड दिस सूट। ए के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था इसलिए उसने स्टिल डिफेंड किया सूट को। तो इस केस में जब वो डिफेंड करेगा तो उस केस में क्या होगा, ही कैन रिकवर फ्रॉम बी, ये मतलब डेटर है, द अमाउंट ऑफ द बिल बट नॉट द सम पेड फॉर कॉस्ट, जो कॉस्ट उसका लगा उसके लिए नहीं, एज देर इज नो रियल ग्राउंड फॉर डिफेंडिंग द एक्शन। ठीक है जी, तो दो एग्जाम्पल है। द थिंग इज कि अगर किसी सूट अगर वो लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, श्योरिटी, तो वो उसको भी रिकवर कर सकता है, रीजन बीइंग कि उसके पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। नाउ ए गारंटी टू सी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, पेमेंट ऑफ राइज टू बी सप्लाइड बाई सी टू बी, सी सप्लाइज टू बी टू अ लेस अमाउंट देन 2 लाख रुपीज, उसने 2 लाख से कम का सप्लाई किया था बट ऑब्टेन फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज, वही जो मैंने बताया कि इससे 2 लाख रुपए ले लिए जबकि जो सप्लाई किया था वो 2 लाख से कम का किया था, तो ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस ऑफ द रेस एक्चुअली सप्लाइड। तो जो ये श्योरिटी है ये आपसे जितना राइस दिया गया था उतने के पैसे ले पाएगा, सपोज करो 1,80,000 रुपए, तो 1,80,000 ले पाएगा, 2 लाख रुपए उसने मुझे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 लाख रुपए डेटर से ले लेगा, डेटर से उतना ही ले पाएगा जितने का उसको राइस मिला होगा। देन अगला आता है राइट्स अगेंस्ट दी क्रेडिटर, ये सारे किसके थे, अगेंस्ट दी डेटर, अब आया राइट अगेंस्ट दी क्रेडिटर, तो क्या क्रेडिटर के राइट है, तो श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह का कोई भी बेनिफिट क्रेडिटर के पास है अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर, तो वो बेनिफिट जो होगा वो किसको मिलेगा, आपके श्योरिटी को मिलेगा, मतलब अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू, वेदर द श्योरिटी नोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट, एंड इफ द क्रेडिटर लूजेस और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो कोई सिक्योरिटी ले रखी है, सपोज मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपसे कोई काम किया, मैंने आपको 1 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई किया, लेकिन 1 लाख रुपए की मैंने कोई सिक्योरिटी भी आपसे ले रखी है और साथ में एक श्योरिटी भी है, तो क्या श्योरिटी मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, भैया जो सिक्योरिटी ले रखी है पहले उसको वसूल लो तुम, उसके बाद कुछ बच जाएगा तो मुझसे ले लेना, अगर 1 लाख का काम किया और 1 लाख की सिक्योरिटी है तो क्या श्योरिटी मुझे कुछ भी देगा, कुछ भी नहीं देगा, जीरो। बट अगर 1 लाख का मैंने आपको गुड सप्लाई किया तो सिक्योरिटी मेरे पास है सपोज करो 80,000 रुपए की, तो मैं 20,000 मुझसे ले सकता हूँ, मतलब जो सिक्योरिटी का बेनिफिट है वो बेनिफिट जो है वो श्योरिटी को मिलेगा, सिक्योरिटी का बेनिफिट श्योरिटी को मिलेगा, सिक्योरिटी पहले एडजस्ट की जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट को पे करेगा। देखिए एग्जांपल, सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट 2 लाख रुपीज टू द गारंटी ऑफ ए, सी आल्सो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज बाय मॉर्गेज ऑफ बी फर्नीचर, 2 लाख रुपए दे दिए और 2 लाख रुपए का मॉर्गेज भी है, सी कैंसिल द मॉर्गेज, बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड सी सूज ए ऑन हिज गारंटी, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ए क्या है वहां पे डिस्चार्ज माना जाएगा क्योंकि वहां पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है वो अगेन सेम अमाउंट का है, तो यहाँ पे ए बोले तो श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। सी अ क्रेडिटर हु एडवांस टू बी अ सिक्योर्ड बाई डिग्री रिसीव ऑल्सो अ गारंटी फॉर दैट एडवांस फ्रॉम ए, सी आफ्टर वर्ड टेक्स बी अ गुड इन एग्जीक्यूशन अंडर द डिग्री, डिग्री का बेसिकली मतलब होता है कि किसी के आदेश के अनुसार, ठीक है, किसी के ऑर्डर के अगेंस्ट, एंड देन विदाउट द नॉलेज ऑफ ए विदड्रॉ द एग्जीक्यूशन ए इज डिस्चार्ज, अगेन वही चीज है कि भैया किसी के मतलब आदेश या किसी के ऑर्डर के बेस पे आपने किसी को पैसे दिए थे और वहां पे एक श्योरिटी रखा गया था, लेकिन वो जो आपका जो भी एग्जीक्यूट किया था आपने एग्रीमेंट टाइप का उसको आपने विड्रॉ कर लिया, जैसे आप विड्रॉ कर लोगे और बिना ए के बिना बिना श्योरिटी के नॉलेज के अगर आपने उस कुछ ऑर्डर को या किसी चीज को भी वायलेट कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो श्योरिटी होगा वो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। ए एज अ श्योरिटी ऑफ बी मेड्स अ बॉन्ड जॉइंटली विद बी टू सी एंड सिक्योर्ड अ लोन फ्रॉम सी टू बी, आफ्टर वेट सी ऑब्टेन फ्रॉम अ बी अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम डेट, सब्सिक्वेंटली सी गिव अप द फर्दर सिक्योरिटी, ए इज नॉट डिस्चार्ज। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ए एज अ श्योरिटी फॉर बी मेक अ बॉन्ड जॉइंटली विद बी टू सी टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम सी टू बी आफ्टर बॉन्ड, आफ्टर बॉन्ड बाद में सी ऑब्टेन फ्रॉम अ बी अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम डेट, सब्सिक्वेंटली सी गिव अप द फर्दर सिक्योरिटी, तो ए यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा क्योंकि बेसिकली बाद की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है ना। राइट टू सेटअप, राइट टू सेटअप का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई आपस में लेन देन है तो उसका भी वो सेट ऑफ करने का राइट रखता है। इफ द क्रेडिटर सूज द श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर लाइबिलिटी, द श्योरिटी मे हैव द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ इफ एनी दैट द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर। मतलब कि डेटर, सपोज करो कि डेटर को मेरे को लाख रुपए देने थे, 20,000 रुपए लेने भी थे, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा श्योरिटी से लाख रुपए नहीं मांगूंगा, लाख रुपए मांगते वक्त मुझे 20,000 रुपए मुझे लेने हैं, उसको सेटअप करने का भी राइट श्योरिटी के पास है। अगर कुछ डेटर की कोई ऐसे पैसे हैं जो कि अगेंस्ट निकलते हैं तो उस अगेंस्ट पैसे को भी सेटअप करने का राइट किसके पास है, श्योरिटी के पास। एंड राइट टू शेयर रिडक्शन, इसका बेसिकली मतलब क्या है, द श्योरिटी हैज राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन हिज क्लेम इफ द प्रिंसिपल डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट। तो अगेन वही चीज है जैसे आपने देखा होगा, अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो प्रोपोर्शनेटली पैसा रिकवर किया जाता है, तो वो प्रोपोर्शनेटली पैसा रिकवर जो किया जाएगा तो वो राइट हमारे श्योरिटी के पास भी है कि अगर डेटर मेरा इंसॉल्वेंट हो गया तो प्रोपोर्शनेटली ही वो बियर करेगा, पूरा का पूरा बियर नहीं करेगा, मतलब जो क्लेम करेगा वो भी प्रोपोर्शनेटली क्लेम करेगा, पूरा का पूरा क्लेम नहीं करेगा। जो भी इंसॉल्वेंसी के रूल होंगे बेसिकली, जैसे आपने देखा 60 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी, तो जैसा भी होगा उस प्रोपोर्शन में ही लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देन आता है राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। तो को श्योरिटीज आपको पहले पता होना चाहिए, को श्योरिटीज तीसरी बार आ रहा है इस पूरे के पूरे एरिया में। को श्योरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक मतलब दो या उससे ज्यादा श्योरिटी है किसी भी लोन को या किसी भी अमाउंट को, किसी भी डेट को गारंटी करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, को श्योरिटी। तो को श्योरिटी में क्या रूल है, तो पहला पॉइंट राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, मतलब आपस में को श्योरिटी के क्या राइट है, एक श्योरिटी का दूसरे श्योरिटी का क्या राइट है। तो को श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। बेसिकली क्या कह रहा है कि को श्योरिटी अगर होंगे, तो अगर दो सपोज श्योरिटी है आपका, उधार का आपने कॉन्ट्रीब्यूट मतलब उधार के लिए जो आपने गारंटी दी थी वो दी थी 5 लाख रुपए की, तो दोनों लोग कितना कितना भरेंगे, 2.5 लाख रुपए, सिंपल सी बात है। तो मतलब इक्वली वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वालिटी ऑफ बर्डन इन द बेसिस ऑफ को श्योरिटीशिप दिस कंटेन इन सेक्शन 146 वी स्टेट दैट व्हेन टू और मोर पर्सन आर को श्योरिटीज फॉर द सेम डेट और ड्यूटी ईदर जॉइंटली और सेवरली और वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेदर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, दोनों को नहीं भी पता हो तो भी चलेगा। द को श्योरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रारी आर लाइबल एज बिटवीन देमसेल्व्स टू पे ईच एंड इक्वल शेयर ऑफ द होल डेट, पूरे डेट का इक्वल शेयर, और ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट विच रिमेन अनपेड बाई द प्रिंसिपल डेटर। मतलब वही चीज हो गया, पूरा डेट हो सकता है या हो सकता है डेटर ने 5 लाख में से 1 लाख रुपए चुका दिए थे, तो 4 लाख की उधारी है, 4 लाख के ऊपर वो आधा आधा 2-2 लाख रुपए भरेंगे, ठीक है। एबीसी श्योरिटी है डी के 3 लाख रुपए का, लेंड टू ई, ई ने डिफॉल्ट कर दिया, तो एबीसी क्या करें, लाइबल है यहाँ पे कितने रुपए के लिए, 1-1 लाख रुपए के लिए, तीन बंदे हैं 3 लाख रुपए का उधार था, 1-1 रुपए में 1-1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, एबीसी श्योरिटीज थे डी के 1 लाख रुपीज की, लेंड टू ई एंड देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एबीसी दैट ए इज रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1 क्वार्टर। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कि ए 1 क्वार्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी 1 क्वार्टर के लिए है और सी हाफ के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ, 1 क्वार्टर 1/4, 1/4 और 1/2, 1 लाख का 1/4 25, 25, 50 करके वो लोग पे करेंगे, लाइबिलिटी उनकी इस प्रोपोर्शन में आएगी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो सिंपल सी बात है, इक्वली होगा अगर जनरली कुछ मेंशन नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन है तो उस बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली वो बियर करेंगे लाइबिलिटी को। अगला, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। डिफरेंट सम्स का बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे, कि जहां पे उन्होंने अपना मैक्सिमम अमाउंट बता देंगे कि भैया मैं इतने की गारंटी, मैं इतने की गारंटी, मैं इतने की गारंटी, तो उस केस में कैसे होगा उसको जरा समझो। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय द श्योरिटी टू हिज लाइबिलिटी। जो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो चलेगा चलेगा, लेकिन मैक्सिमम को भी आपको ध्यान में रखना है, तो प्लीज कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, को श्योरिटीज हु आर बाउंड टू बी डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। एग्जाम्पल देखो जरा, तीन लोग हैं आगे, एक ने दी थी 1 लाख की लिमिट, दूसरे ने 2 लाख की, तीसरे ने 4 लाख रुपए की, और जो डिफॉल्ट हुआ वो 3 लाख रुपए का हुआ, तो 3 लाख में क्या होगा, पहले 3 लाख को इक्वली बांटेंगे। जब आप 3 लाख को इक्वली बांटोगे तीनों किस्ते में कितना कितना 1 लाख आएगा, क्या 1 लाख उनकी लिमिट के अंदर है, तो पहले वाले की लिमिट 1 लाख थी, 1 लाख के अंदर है, 2 लाख थी, ये भी 1 लाख के अंदर, 4 लाख है, ये भी 1 लाख के अंदर है, तीनों का अंदर है, तो मतलब तीनों के 1 लाख रुपए पे करेंगे। अगले एग्जाम्पल में देखो, अगले एग्जाम्पल में डिफॉल्ट हुआ कितने का, तो भाई एग्जाम्पल सेम चल रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तीन पार्टीज है, डिफॉल्ट हुआ 4 लाख रुपए का, जब 4 लाख को आप इक्वली बांटोगे तो 1,33,000 रुपए आएगा, 1,33,000 रुपए उस 1 लाख वाली जो पहली पार्टी है उसके ऊपर चला गया, तो ये तो 1 लाख के लिए लाइबल है, तो हम क्या करेंगे इसे 1 लाख को हटा देंगे, बचा कितना, तो 4 लाख का डिफॉल्ट हुआ है, 1 लाख को हटा देंगे, बचा 3 लाख, 3 लाख को 2 लोगों में इक्वली बांटो, 1.5 लाख, 1.5 लाख, क्या 1.5 लाख इसकी लिमिट में है, हाँ है, क्या इसकी लिमिट में, हाँ है, मतलब ये 1 लाख पे करेगा, ये 1.5 लाख पे करेगा, ये 1.5 लाख पे करेगा, इस प्रोपोर्शन में पे होगा, समझ में आ रही बात को।
ऐसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 7 लाख रुपए का डिफॉल्ट हुआ, तो देखो इसकी लिमिट 1 लाख 30, इसकी 2 लाख 30, इसकी 4 लाख 30, कुल मिला के 7 लाख रुपए होते हैं, तो ये पूरा पूरा अपना लिमिट दे देंगे। इससे ऊपर का कुछ जाएगा तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इनकी लिमिट ही इतनी की थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी में मेरे हिसाब से मजा आया होगा, चीजें अच्छी हैं। अब जब इसको एक बार आप दोबारा से रिकैप वे में रीड करोगे, या कह लो कि वीडियो को सुन लोगे, तो आपको मोस्ट प्रोबली काफी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। थोड़े से सवाल है इसके, रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो इंडेमनिटी होता है वो क्या होता है, कंटिजेंट वेजिंग कॉसी वॉइड। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेव बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ रुपीज 500 रुपीज। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कह रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट टू सेव बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ये आपका एग्जाम्पल है पहला वाला जो था इंडेमनिटी का, एनी प्रोसीडिंग व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ रुपीज 500 रुपीज। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल सेम उठ के आ गया है जो आपका इंडेमनिटी का पहला एग्जाम्पल था। क्या कहलाएगा ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर इज, कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपने देखा था ट्रिपार्टाइट, तो तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके। एस एन पी गो इनटू अ शॉप, ए एस सेज टू शॉपकीपर सी लेट पी हैव द गुड्स एंड इफ ही डज नॉट पे यू आई विल, दिस इज। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा, वैगनार वाला एग्जाम्पल आया था कि वो गए एक शोरूम के अंदर, उसने कहा कि भैया इसको लेटेस्ट वैगनार दे दो और ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। क्या था ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ गारंटी ऑब्टेंड बाय अ क्रेडिटर बाय कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेज। आप क्रेडिटर जो है वो चुप रहा तो उसके इसमें क्या होगा, वैलिड वॉइडेबल अनएनफोर्सेबल इनवैलिड। तो आपने देखा था इनवैलिडेशन वाला पॉइंट में ये पॉइंट आया था। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अ पर्सन हु प्रोमिसेस टू डिस्चार्ज अनदर लाइबिलिटी इज कॉल्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जिसने कहा कि भैया दूसरे की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा उसको क्या बोलते हैं, तो आपने देखा है उसको हम श्योरिटी बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल थे, ये कुछ यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सवाल हैं। बट आप इन सारे सवाल को पढ़ोगे, आपको ये सारे सवाल वही दिखेंगे जो आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखे थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जितनी चीजें आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखी थी वही चीजें आ जाएंगी। एक दो तो चीजें पढ़वा देता हूँ जो केस स्टडी वाले हैं। एम ने एडवांस किया एन को 5,000 और गारंटी ऑफ पी, द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सब्सिक्वेंटली एन ने फाइनेंशियली इंबेलेंस हुआ और एन ने रिक्वेस्ट किया एम को रिड्यूस करने के लिए 6% पे। डज नॉट सू एन एंड डज नॉट सू एन फॉर द 1 ईयर आफ्टर द लोन बिकम्स ड्यू। तो एन बिकम इंस्टॉलमेंट हो गया, क्या एम सू करेगा पी को जिसने गारंटी दी थी यहाँ पे। तो आपस में अगेन क्या कर दिया, आपने मॉडिफिकेशन कर दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपने कहा जी सू नहीं करेंगे 1 साल तक, 1 साल का टाइम दे दिया, चलो कोई बात नहीं, रेट को भी चेंज कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लग जाएगा आपका 133, जो मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी मटेरियल चेंज किया आपने विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी तो वो चीज आपका नहीं चलेगा, तो सू नहीं कर पाएगा वो। तो राइट्स एंड इंडेमनिटी होल्डर के, ये वही वाला पॉइंट था, ऑल डैमेजेस ऑल कॉस्ट और ऑल सम्स वाला। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी को डिफाइन करना है और कंडीशन बताना है कि जब गारंटी आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी वाला एक पॉइंट आया था, उस पॉइंट को आपको यहाँ पे बताना है। जो रिप्रेजेंटेशन वाला था, कंसीलमेंट वाला, साइलेंस वाले जो पॉइंट्स थे उनको आपको यहाँ पे लिखना है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 2000 बाय एबीसी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, वाई गेव श्योरिटी फॉर एक्स गुड कंडक्ट आफ्टर द 9th मंथ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक डिटेरियरेट्स, देन एक्स एग्री टू एक्सेप्ट अ लोअर सैलरी ऑफ 15। एक्स जो है वो कम सैलरी पे मार गया, 2 मंथ लेटर उसने कुछ ना कुछ मिस अप्रोप्रिएट कर दिया कैश का, तो क्या लाइबिलिटी होगी वाई की, तो अगेन 133 लगेगा आपका कि आपने अगेन चेंजेस कर दिए यहाँ पे, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, श्योरिटी जो है वो लाइबल नहीं होगा। आगे आगे कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, टिम्बर वाला सवाल। सी गारंटीज ए परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर द एग्रीमेंट, इज सी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। यस सी डिस्चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटर है उसने डिफॉल्ट कर दिया अपने एंड में, जो भी उसको चीजें सप्लाई करनी थी वो सप्लाई नहीं किया, जो आपका टिम्बर वाला एग्जाम्पल था सेम टू सेम है। मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग 5 लाख, ही आस्क्ड मिस्टर के फॉर द मनी, के लेंड द मनी ऑन द श्योरिटीज ऑफ ए बी एंड एन विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी बाई डी टू के, डी मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, बी रिफ्यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट, एग्जामिन वेदर बी कैन एस्केप लाइबिलिटी, नहीं जी नहीं कर पाएगा एस्केप को, श्योरिटी का पॉइंट आ गया, दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ही आस्क्ड मिस्टर की फॉर द मनी, के लैंड कर दिया ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ ए बी एंड एन, ठीक है ना, तीन लोग हैं बेसिकली, दो लोग नहीं तीन लोग हैं यहाँ पे, को श्योरिटी का पॉइंट है। तो क्या यहाँ पे बी कहता है जी मैं लाइबिलिटी से बच जाऊंगा, बच पाएगा क्या, नहीं बच पाएगा, को श्योरिटी के रूल के हिसाब से उसको इक्वली लायबल है, वो इक्वली पे करना पड़ेगा।
Then, Mr. Chetan was appointed as a site manager of AB Construction Company on a 2 years contract at a monthly salary of 50,000. Mr. Pawan gave a surety in respect of Mr. Chetan's contract. Surety आ गया. After 6 month company position में नहीं थी तो उन्होंने उसकी सैलरी कम कर दी. सैलरी कम कर दी और उसके बारे में उसने श्योरिटी को नहीं बताया, पवन को नहीं बताया हुआ. 3 month के बाद उसने डिस्कवर, उसको पता लगा कि भैया उसने कुछ धोखाधड़ी कर लिया, कुछ फ्रॉड कर लिया, तो क्या उसके लिए लाइबल होगा? अगेन सेक्शन 133 लगेगा यहाँ पे भी कि वो लाइबल नहीं होगा. इंपॉर्टेंस देखो सेक्शन 133 की कितनी ज्यादा है. ए एग्री टू सेल गुड्स टू बी ऑन अ गारंटी ऑफ सी फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स इन डिफॉल्ट ऑफ बी इज द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी वैलिड इन द पोल ऑफ द केसेस. अगर ए माइनर है तो देखो पहले तो पार्टी पहचानो. ए एग्री टू सेल गुड्स टू बी, ए है जो सेल कर रहा है मतलब ए क्रेडिटर है, बी को सेल कर रहा है, बी प्रिंसिपल डेटर है, और सी की ने गारंटी दी है तो सी हमारा श्योरिटी, तो ए माइनर चलेगा क्या? नहीं चलेगा. क्रेडिटर माइनर नहीं चल सकता. बी माइनर चलेगा क्या? चल जाएगा क्योंकि डेटर माइनर चल सकता है. सी माइनर है चलेगा क्या? सी माइनर नहीं चलेगा, सिर्फ बी माइनर चल जाएगा क्योंकि वो हमारा क्या है? डेटर है. तो ये भी आपका वॉइड हो जाएगा, बी वाला वैलिड हो जाएगा, ये वाला आपका वॉइड हो जाएगा. अगेन एस आस्क करता है आर को टू बी टी फॉर अ प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिफाइंग आर एज अ कॉन्सिक्वेंसेस. कह रहा है अगर कुछ दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा. तो अगेन मारने पीटने की बात चल रही है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, नहीं चलेगा. आर बीट्स टी एंड फाइन 50,000 का फाइन लग गया. कैन आर क्लेम 50,000 फ्रॉम एस? क्या वो क्लेम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो फुलफिल होने चाहिए, जो फुलफिल नहीं हो रहे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर वन. आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो अच्छे से. चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम लेके चलेंगे बेलमेंट और प्लेज वाले को. कंपेटिवली इजी है, मेन फोकस आपको इस पे करना है. इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार सुन लेना, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ जानी चाहिए.